पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का दावा किया, कहा गरीबी दूर नहीं होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद पूरा का पूरा पैसा खाते में आता है, पहले एक रुपए में महज 15 पैसे ही गरीब तक पहुंच पाता था। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लोकसभा चुनाव लड़ने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। अमेठी के लोग कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी इसी हफ्ते जारी कर सकती है अपना संकल्प पत्र। बीजेपी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई है। बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं, नमो ऐप से 40,000 से ज्यादा सुझाव आए। बीजेपी के संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब, किसान समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र की थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने तमिलनाडु के नमक्कल में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार। यूपी के रायबरेली में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी ने अब वायनाड को अपना परिवार घोषित कर दिया है, सुना था लोग रंग बदलते हैं, अब देख भी लिया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक प्रोग्राम में ममता बनर्जी डांस करती हुई नजर आई, इस मौके पर ममता ने ढोल भी बजाया। लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की 6 सीटों में से 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और 3 कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस को उधमपुर, जम्मू और लद्दाख सीट मिल गई है, वहीं अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से ईडी की पूछताछ, आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने संजय राउत को खिचड़ी घोटाले का किंगपिन बताया, अपने भाई और बेटी के नाम पर 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज गूंज एक बहुत ही अलग अंदाज में आपके सामने है। भाई जनरली आप क्या देखते हैं, दो अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं, एक मुद्दा होता है और उस पर लगातार आप एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नेताओं को देख रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ गूंज में लोकसभा चुनावों में फर्स्ट टाइम वोट करने वाले वोटर्स हैं और यहां मंच पर हमारे साथ मौजूद है गौरव वल्लभ। मैं पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी, ये सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। गौरव वल्लभ, अगर आज से 3 दिन पहले मैं इनका अगर इंट्रोडक्शन देती तो वो थोड़ा अलग किस्म का होता, लेकिन आज जब मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो 7 साल कांग्रेस का दामन थामे रहे, कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के लिए जी तोड़ मेहनत की और फिर रातों रात मन में एक विचार आया और फिर इन्होंने बीजेपी का कमल हाथ में थाम लिया है। हाथ में कमल बीजेपी का आपने थाम लिया है, क्या वजह रही? कई जगह पर ये अब तक इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन मैं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को और यहां पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बैठे हैं उनको ये बता देना चाहती हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक गौरव वल्लभ ने देश के सामने नहीं रखी हैं, उनके अंदर दिल के उस दर्द को और पार्टी को धोखा दिया इसकी सफाई को उन्होंने नहीं रखा है और आज वही बात आप 5 बजे की इस गूंज में देखने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। पहला सवाल तो ये कि आपने पानी पी पी कर बीजेपी को गालियां दी, आपसे बकायदा पूछा गया कि आप बीजेपी कभी ज्वाइन करेंगे तो आपने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, 100% नहीं करूंगा। और आपने ये कहा मेरे लिए लिबरल विचार, बौद्धिकता की ओर अग्रसर समाज, काम करने की आजादी और इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है, इसीलिए कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है। आप 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो सारी बातें खत्म हो गई और बीजेपी में आपको सब नजर आ रहा है? रूबिका जी, मैं तो वहीं खड़ा हूं अभी भी, कांग्रेस वहां से चली गई जो मेरे विचार थे। मेरे विचार क्या थे,
मेरा विचार था बौद्धिक समाज, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। कांग्रेस वहां से निकल चुकी है। मेरा विचार थे नो करप्शन, पर कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया। कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। कांग्रेस वहां से चल, मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास, वही तो इंक्लूसिव समाज है। आज क्या हो गया रूबिका जी कि मोदी जी को गाली देते देते कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है। एक बच्चों, एक वीडियो गेम में एक लास्ट स्टेज में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड आ जाता है, आपको याद होगा। मैं कॉन्ट्रा खेलते हैं अपन, एक वीडियो गेम है उसमें, ये कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली गई है। उसको, वो स्वयं को गालियां दे रही है रूबिका जी, दे आर अब्यूजिंग देमसेल्फ। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण एक फिर मैं आपका सवाल लूंगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे 1991 में आया। आज कांग्रेस पार्टी देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली देती है। पहले अडानी, फिर अंबानी, फिर एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा उसको गाली, फिर एक बिजनेस समूह के सीईओ ने सरकार की तारीफ कर दी उसको गाली। अरे कहीं तो रुकोगे? नहीं, ठीक है, मैं समझ गई, ये बातें आपने पहले भी बोली हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप तो बीजेपी के मुखालफत करते हुए कांग्रेस के साथ थे ना जी, तो बीजेपी में क्यों आन मिले सजना? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तीन बातें बोली थी अपने पत्र में। पहला कि जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन के विरोध का, गालियों का विरोध करो, सनातन के विरोध में नारे लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे, कांग्रेस यहाँ मुखदर्शक बनी हुई बैठी है। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है? मैंने कहा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना एक तरह का पाप है। और रूबिका जी, हर साल मैं बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आपको याद है? इस साल की मैंने नहीं की क्योंकि मैंने उनको कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी में जाके आपको डिफेंड नहीं करूंगा। ये मैंने उनको साफ बोला। मैंने उनको 4 महीने दिए रूबिका जी, 4 महीने मैंने कहा अगर आप प्रभु राम के दर्शन कर, पहले बोला कि साहब हम वो इवेंट में नहीं जाएंगे। अरे 3 महीने तो हो गए थे ना, उसके बाद भी क्यों नहीं गए? अच्छा, यात्रा के दौरान वहां उसके पास से निकल गए पर दर्शन नहीं करेंगे। तो मैं साहब ये पाप नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर कांग्रेस का स्टैंड आपको नापसंद है? मैंने कहा ना कांग्रेस की विचारधारा कुछ रही नहीं है रूबिका जी। कांग्रेस आज, आपको आश्चर्य होगा, कुछ पूर्व यूपीए सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पीए चला रहे। कोई स्टैंड कुछ नहीं है, कुछ भी स्टैंड नहीं है। वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, नए लोगों को गाली दो, सनातन को गाली दो, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाओ। एक आपको एक बहुत रोचक एक एग्जांपल देता हूं, अभी तक कहीं नहीं बोला मैं ये बात। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस, उदयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, मैं बता दूं आपको। उदयपुर से उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, आपको याद होगा। वहां पे एक निर्णय किया 50 अंडर 50, मतलब 50% पद 50 साल के कम उम्र के लोगों को हम देंगे। किसने निर्णय किया? भाजपा ने नहीं किया। मैं भी उस चिंतन शिविर में था, मैंने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई, और मुझे आज भी कहता हूँ वो सही निर्णय था। कहाँ पर वो लागू हुआ? क्या ऑल इंडिया चापलूस कमेटी में लागू हुआ? AICC? क्या PCC में लागू हुआ? क्या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में लागू हुआ? क्या ब्लॉक कांग्रेस में लागू हुआ? क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लागू हुआ? आप स्वयं के निर्णय किए हुई चीजों को लागू नहीं कर सकते, तो देश के लोगों के लिए जो आप निर्णय कर रहे हो, देश आप पे विश्वास क्यों करेगा साहब? अच्छा भाई, मैंने तो आपके साथ खूब सारे डिबेट किए हैं, हाँ, और आपकी तरफ से खूब सारे आरोप भी मैंने झेले हैं। मतलब सवाल किया तो आपकी तरफ से, इनफैक्ट पार्टी की तरफ से, मैं तो खुद उन बैन लिस्ट में से एक एंकर हूँ कि आप लोग जो हैं लगातार कांग्रेस को परेशान करते रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आप उनके जब प्रवक्ता हुआ करते थे, यही सवाल तो हम भी करते थे, आज वो बदलाव कैसे? कहीं होगा ना, आपको लगा होगा कि नहीं बस अब इससे ज्यादा ऊपर गया तो घड़ा छलक जाएगा, वो कौन सा पल था? रूबिका जी, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, मैं उदयपुर गया,
मेरे कार्यकर्ता मुझे बच्चों बोले कि भैया बाहर नहीं निकल सकते शर्म के मारे, तो मैंने वहां अखंड रामायण का पाठ कराया राम मंदिर में बैठ के, और स्वयं ने किया। मैंने कहा हम इनके पापों का प्रायश्चित करेंगे। तो यह तो राम मंदिर का तो अभी हुआ प्राण प्रतिष्ठा का। मैंने इनको कहा कि सनातन का विरोध कर रहे हो, ये सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्योंकि आप साइलेंटली एक बात बताओ बच्चों, कोई दो चीज जने लड़ रहे हैं और एक आरोप दे रहा है और एक जो व्यक्ति है जो उसकी साइड है वो चुप बैठा है, इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट करता है? मैंने कहा चुप्पी तोड़ो, तुम बोले नहीं। मैं 4 महीने तक रूपिका जी जैसे मेरे को कुछ नौकरी चाहिए ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर गया, सारे शीर्ष नेताओं के, कि ये पाप मत करो। नहीं तो वो बोलते क्या है, मतलब जब आपने कहा कि नहीं भाई, वो सुनते हैं, बस सुनते, वो सुनते हैं। और फिर कोई आंसर नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको मैं कोई बात बोलूं आप सुन लो और अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाओ, इसका मतलब यू आर इग्नोरिंग। नहीं तो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, हिंदू या हिंदुत्व को गाली देना, ये कोई तो उनको फीड कर रहा होगा ना, ये कौन है? ये वो लोग हैं रूबिका जी जिन्होंने अपनी क्लास का मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। मॉनिटर कभी जीवन में बन नहीं पाए क्लास के, वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। कौन कौन? मैं रूबिका जी देखो मेरी भी एक एथिक्स है, अगर मैं नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही अपनी एथिक्स छोड़ दे। रुके, नाम भी बोलेंगे आज गूंज में हर एक सच्चाई को गूंजना होगा, ये तो गारंटी है कि नहीं है, मानते ना इस बात को। अब ये राजस्थान का चुनाव इन्होंने लड़ा, ससुराल है उदयपुर इनका, मैं बता देती हूँ आपको, खुद भी राजस्थान से हैं। और अब राजस्थान के ही एक पूर्व मंत्री हैं, वो इनके बारे में कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, क्या कह रहे हैं जयपुर शहर से, सुनिए क्या कह रहे हैं। कि बाहर जाकर आप अपने परिवार को गाली देते हैं दूसरे परिवार के साथ मिलकर, ये और बड़ा पाप है। तो आप चले गए, अभी उदयपुर से टिकट दिया है, उससे पहले टिकट दिया, तो ये जो चेहरा गौरव वल्लभ का, इसको कोई नहीं जानता था कांग्रेस से, कोई नहीं जानता था आपको? अब मैं देखो, मैं उनके मुकाबले गाली गलौज का स्तर मेरा है नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगा बच्चों, ये वहां पे ये कह रहे हैं कि मेरे को चुनाव लड़ना ही नहीं था, जबरदस्ती लड़ रहा हूं। ये चुनाव लड़ने के पहले कह रहे हैं कि मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं लड़ रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी तो हार निश्चित है, ये उनके बयान है, मेरे नहीं है, ये उनके कह रहे हैं मेरी हार निश्चित है पर फिर भी लड़ रहा हूं। अरे भाई, अब इन्होंने जिक्र किया मेरे को टिकट देने का, रूबिका जी मेरी बात सुनो, मैं आज आपको वो रहस्य पूरा बताऊंगा, और आपको पहली बार बता रहा हूं ऑन स्क्रीन। जमशेदपुर से मेरे को पार्टी ने, जैसे कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, कल आज रात को मेरे को बोला जाओ चुनाव लड़ो। क्यों बोला? क्योंकि जहां से टिकट दिया वहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी चुनाव लड़ रहे थे, 8 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वो। उन्हों बोले साहब प्लीज लड़ लो, हमको समझ ही नहीं आ रहा आपके सिवाय कोई लड़ ही नहीं पाएगा। मेरे को लास्ट दिन, मैंने नहीं मांगा रूबिका जी, मैंने नहीं मांगा, मैं सौगंध खा के कह सकता हूं अपने माता पिता और विद्या रानी की कि मैंने टिकट नहीं मांगा। मेरे को कहा आप लड़ो प्लीज। ये क्या जानते हैं जिन्होंने ये बेतुके बयान दे रहे हैं, ये क्या जानते हैं? फिर उदयपुर, रूबिका जी उदयपुर आप भी अच्छे तरह से परिचित हैं, वहां पिछले 5 बार से भाजपा जीत रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की पहली राजस्थान में 5 सबसे स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं तो उसमें उदयपुर आती है। बिल्कुल, मेरे को बोला वहां लड़ो। अगर मेरे को मांगना होता रूबिका जी तो मैं कोई मूर्ख हूं क्या बच्चों? मेरे को अगर चुनाव लड़ने, अरे मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब कांग्रेस के 40+2 42 सांसद थे, मैं 42 सांसद वाली क्यों करता? मेरे को कोशिश करके कोई और कर लेता। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि आपने अपना जमीर बेच दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 2 चुनाव हार गए। अरे अब आपको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर सेफ सीट मिले, अब आप राजाओं की तरह आप जो है जीते और राज्यसभा जाए। मुझे एक बात बता दो, मुझे अगर टिकट चाहिए होता तो मैंने 4 तारीख को ज्वाइन किया, 4 अप्रैल को, जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 99% सीटों पर टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो मैं 15 दिन पहले कर लेता।
रूबिका जी, आई एम नॉट इन ए लस्ट ऑफ पावर, मैं सत्ता के लालच में नहीं हूँ। मैं सत्ता के लालच में होता तो जमशेदपुर से लड़ता चुनाव। अच्छा, लेकिन बीजेपी की विचारधारा और आपकी विचारधारा एक है, क्या आपने बीजेपी कैसे ज्वाइन किया? मैं वो बताता हूँ, कई चीजें होती है, हम अगर कोई परीक्षा देते हैं तो कुछ तो होती है मैंडेटरी कंडीशंस और कुछ होती है डिजायरेबल कंडीशंस। जैसे यूपीएससी देना है तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पर डिजायरेबल में होता है इफ कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छा रहेगा। तो मेरी 3 डिजायरेबल कंडीशन है, मैं राष्ट्र के प्रगति में अपनी आहुति देना चाहता हूँ, कांग्रेस नहीं लेती है, कांग्रेस को मतलब ही नहीं है। मैं धर्म की रक्षा में चुप नहीं रहूंगा, भले जिसको जो बुरा लगना है लगा लो, मैं सनातन विरोध के नारे नहीं लगा सकता, मैं प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका न्योता नहीं ठुकरा सकता, और मैं सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स सारे स्टार्टअप्स को गाली दूं। बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए विचारधारा, विचारधारा से आपका मेल है कि नहीं है? भाई मेरे, मैं तो वही, मेरी यही विचारधारा थी, कांग्रेस चेंज हो गई। कांग्रेस के लिए 1 महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल चोर था, आज वो सच्चाई का पर्यायवाची बन गया है। अच्छा, ये कांग्रेस के लिए एक और उदाहरण देता हूं, फर्स्ट टाइम वोटर से पूछ लेते ना, ये चेंज हुए कि कांग्रेस चेंज होगी, आपको क्या लगता है? सर चेंज हो गए हैं, हाँ तो कुछ सवाल सर भाई, सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं ये लोग। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इन्हीं के एक और साथी है नासिर हुसैन, वो कुछ कह रहे हैं इनके लिए, सुन लेते हैं। हाँ भाई, नासिर हुसैन क्या कह रहे हैं? जहां तक गौरव बल्ला जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया, 2-2 चुनाव पार्टी ने लड़वाया, सारे मौका उनको दिए, उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी में उनको ज्यादा उनकी बेहतर हालत होगी, उनको ज्यादा मौके मिलेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए, ये भी वही व्यक्ति है जिसने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा कभी भी, ये वही है, और भी है उस लिस्ट में, पर ये वन ऑफ देम है। और एक मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं, क्या कर करके, मैं अभी बोलूंगा तो ये घर से बाहर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने आपके सामने इनकी सच्चाई बता दी। अरे बीजेपी में तो लोग खुलकर बोलते हैं, आप नए नवेले नेता हैं, बोलिए ना। रूबिका जी, थोड़ा सा उन्होंने अपनी एथिक्स बेची है, यही तो मेरा बेमेल हो रहा था, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं, अभी आप उनसे, नासिर जी से पूछो, शायद वो भी होंगे उस कमिटी में जिन्होंने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये सज्जन जिनकी फोटो आई, ये 2 बार से राज्यसभा है, मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं। अगर मैं कांग्रेस के इतिहास के बारे में सवाल करूं तो इस कमरे से चले जाएंगे, और कैसे राज्यसभा लिए बता दूं तो सड़क पे चलना मुश्किल हो जाए इनका, सड़क पे चलना, इनकी तो हकीकत बता दूं तो इनके बारे में मैं क्या बोलूं। ये लोग ही तो है जो कांग्रेस को आज, और कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस के ये असिस्टेंट है, कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे साहब है उनके ऑफिस के ये OSD है, ये OSD का काम करते हैं। तो यही तो वो लोग हैं जो गलत, इनको पता ही नहीं कि सनातन क्या होता है, इनको पता ही नहीं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना क्या होता है, क्योंकि इनका विश्वास ही नहीं ना सनातन में ना प्रभु श्री राम में। तो ये तो है, इनको पता ही नहीं, ये सोचते हैं गाली दो, ये सोचते हैं, एक मिनट, ये सोचते हैं गाली दे के भाग जाने से ठीक हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, जिसका आरोप खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगा रहे थे, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन का अपमान कर रही है? कांग्रेस तुष्टीकरण तो है ही, कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा। दिशाहीनता का एक उदाहरण देता हूँ, आज सुबह बात करेंगे EVM हैकिंग की, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसिस की, परसों सुबह बात करेंगे बेरोजगारी की, उसके अगले दिन बात अचानक से शुरू कर देंगे महंगाई की, उसके अगले दिन अडानी अंबानी को गाली देना चालू कर देंगे। उनको पता ही नहीं कि देश का मूड क्या है। आप बताओ, मैं चाहूंगा रूबिका जी, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आप कांग्रेस का कोई व्यक्ति आए तो उसको पूछना है कास्ट सेंसस में क्या डाटा कैप्चर होगा, कुछ पता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। बोलो लोग, उनकी नीति ये है लोगों को भ्रमित करो, गाली दो। उनका रूटीन बताता हूँ मैं, कांग्रेस के जो लोग ये नीतियाँ बना रहे हैं ना, उनका रूटीन बताता हूँ। सुबह नाश्ता करो, नाश्ते में सोचो मोदी जी को माता जी की गाली दूँ कि पिताजी की गाली दूँ। लंच करो,
लंच में सोचो अडानी को गाली दूं आज या अंबानी को पकड़ूं, और डिनर के साथ जो काम करते हैं वो मैं नहीं बोल सकता, मैं चुपचाप हूं। अरे लोग आपको एहसान फरामोश कहेंगे, लोग कहेंगे जिस पार्टी ने आपको पलकों पे रखा, गोद में रखा, बड़ा प्रवक्ता बनाया, हर बार आप जो है ये जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, जब बजट अनाउंस होता है, तब आपको वो मंच दिया जाता था, दो दो बार के लिए चुनाव लड़वा दिया, आपने एहसान फरामोशी की ऐसे वक्त पर जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये तो मेरा सवाल है, सुप्रिया श्रीने उनको सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं, फिर जवाब दीजिएगा। वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी लोग, इस तरह की बेहुदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है। झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद्ध झूठे होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। सुन लिया? आपको लगा नहीं, घबराहट नहीं हुई इनकी बात सुन के, डरा नहीं अपन के किस तरह की आवाज थी? ये वही लोग है बच्चों जो एक फिल्म अभिनेत्री को पूछ रहे थे जो चुनाव लड़ने जा रही है कि मंडी का भाव क्या है, ये वो लोग है। इनकी बात पे जवाब देना चाहिए क्या, मुझे ये बता दो, जवाब आप कहोगे तो दे दूंगा अभी। क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स जवाब देना चाहिए कि नहीं? ऐसी महिला का जवाब देना चाहिए जो इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हो? तो मैं दूंगा, ठीक है, आपने कहा मैं देता हूँ। अब ये बताइए, कायर मैं हूँ कि ये चुनाव लड़े नहीं है? चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? अरे चुनाव लड़ना चाहिए था ना, पिछली बार लड़ी थी, अभी क्यों नहीं लड़ी दीदी, क्यों नहीं लड़ी? अब कायर मैं हूँ, अरे मैं तो 8-8 बार से हारी हुई सीटों में, इनके तो पिताजी की सीट थी, वो इनके पिताजी की सीट थी, मैं तो आपके जैसे परिवारों से आया हूँ। उन्होंने अगर मैं आपको बोल दूं, इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे भी ये टीवी शो देख रहे हैं, तो वो कहेंगे पापा इतनी घटिया बात आप बोले ही क्यों अपने मुंह से, ऐसी घटिया बातें बोलती है, यही तो प्रॉब्लम है। सुबह गाली दो मोदी जी को नाश्ते के साथ, ये देती है, लंच के साथ अडानी अंबानी को गाली दो, ये देती है, बाकी का। अच्छा आप फर्स्ट टाइम वोटर्स की बारी है भाई, आपके मन में भी तो बड़े विचार होंगे ना, आपके भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, तो राउंड वन सवालों का शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए कौन है जो पहला सवाल पूछना चाहेगा? I'll begin with them। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजान सिंह यादव है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से आता हूँ। तो सर जैसा कि आपने अपने इस्तीफे में लिखा था कि आप पार्टी के साथ कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, और आपने लिखा कि ये जो नए आइडिया वाले जो युवा हैं उनके साथ पार्टी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो पहले हमें ये बताइए कौन से ऐसे आइडिया थे युवा के जो आप पार्टी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, और कौन सी ऐसी नई नीति है युवा के लिए जो आप चाहते हैं कि बीजेपी में रहकर कर सकेंगे? ओके, वंडरफुल क्वेश्चन। हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने पार्टी को कहा कि आप बेरोजगारी की बात करते हो, रोज करते हैं कि नहीं? मैंने कहा रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, इसका सकारात्मक एक ब्लूप्रिंट दो सरकार को। आप कहते हो बेरोजगार, मैंने कहा मैं देता हूं, तो बोले ये हमारा काम नहीं है, वी आर जस्ट हियर टू अब्यूज, ये हमारा काम नहीं है। आप किसी के लिए कुछ भी बोलते हो, युवाओं के लिए बात 50 under 50 वाली बात कही। फिर एक आपको उदाहरण देता हूं, 30 साल से पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना आपकी तरह, और आपसे भी शायद छोटा होऊंगा, तब मैं टीवी पर जिसे प्रवक्ता देखता था कांग्रेस का, आज भी वही मीडिया प्रभारी है, तो नए आदमी को आने ही नहीं देते हो आप। फिर एक और उदाहरण देता हूं, 30 साल से मैनिफेस्टो जो बना रहा है, इस बार भी मैनिफेस्टो वही बना रहा है। अरे भाई उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आते क्या, 52 पे आते क्या? तो नए आदमी को नहीं आने देंगे वो, नए आदमी को। और जो टिकट दे रहा है, ये मैं बच्चों एक बहुत रोचक बात बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो व्यक्ति कांग्रेस में लोकसभा के टिकट दे रहा है, अगर आप उसको जल्दी से पूछ लो उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्र बताओ, तो वो बोलेगा पटना, शिलांग और जयपुर। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ रूपिका जी,
तो जो टिकट पे हस्ताक्षर कर रहा है उस व्यक्ति से पूछना कि उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्रों का नाम बताओ। अगर वो 5 सेकंड में बता दे तो मैं रूबिका जी आप कौ जो कर लूं। अरे तो लेकिन 7 सालों में ये आप देख रहे थे ना रूबिका जी, अचानक कैसे ये हृदय परिवर्तन प्रभु? मैंने कोशिश करी कि मैं ये पूछिए कि आपने 7 साल पहले क्यों ज्वाइन किया, उसका उत्तर देता। अच्छा ठीक है। मैंने ये सोचा कि सबसे पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, नए लोगों को, नए आइडियाज को, एस्पायरिंग इंडिया के आइडियाज को वहां पे जगह मिलेगी। पर वहां पर हर जगह बॉटलनेक्स है। एक और रूबिका जी, एक बात बता रहा हूँ जो कि अभी तक कहीं नहीं बताई। 20 सेकंड। कांग्रेस की शीर्ष जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है CWC, मुझे बुला के कहा गया कि आप उसके मेंबर बन रहे हो, ठीक है। फिर मेरा नाम नहीं आया तो 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैं मिला तो मैंने पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं आया सर, आपका धर्म वहां एडजस्ट नहीं हो रहा। क्या बोला? अरे मेरा धर्म नहीं हो रहा तो फिर मैं ऐसे अधर्मियों के साथ एक क्षण नहीं रह सकता। आप सीरियस एलिगेशन? मैं आपको आप कहोगे तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा। मुझे जिसने बोला, जिस व्यक्ति ने बोला, बताइए नाम बताइए। कांग्रेस के शीर्ष नेता जो डिसीजन मेकिंग में टॉप पे होते हैं, नाम बताइए ना, नाम बताइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज गूंज एक बहुत ही अलग मेरे में और उनमें अंतर रहने दो। आप कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, टॉप लीडर जो आपके जहन में, बच्चे एक्साइटेड है जानने के लिए, जो आपके जहन में टॉप लीडर आ रहा है उसने मुझे बुला के बोला। कौन आ रहा है आज हमारे साथ गूंज में? बुला नाम के बोला भाई, मैं मेरे को बुला के बोला, मैं आपको फिर बोलता हूँ, मेरे को बोला आप सीडब्ल्यूसी में मेंबर बना रहे हैं। 15-20 दिन बाद मैं तो ऐसे पद के लिए मर नहीं रहा था। मैं तो बच्चे पूछ रहे हैं सर, कौन वोटर्स है सर? मेरा ये क्वेश्चन है, नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जैसे पार्टी एक परिवार की तरह होता है, उस परिवार ने आपको इतना बढ़ाया, मतलब इतना बड़ा किया, इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंचाया, तो अगर उस परिवार में कोई गड़बड़ी होती है तो हम चाहते हैं कि हम उसे मॉडिफाई करें, हम उसे सुधारें, लेकिन आपने तो मतलब छोड़ दिया। कमल 4 महीने तक, क्या वजह? 4 महीने तक, कई जगह पर ये अब तक मैंने कहा, मैं टीवी में नहीं, मेरे को लगा मेरी इस बात से इन पे फर्क पड़ेगा प्रज्ञा, कि मैं बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मैं टीवी में नहीं जाऊंगा, मेरे को लगा इस बात पे फर्क पड़ेगा, मेरी बात सुनेंगे। 4 महीने तक आपने बच्चों, रूबिका जी मेरे को आपने पिछले 4 महीने में सच बताई, एक भी आपने मेरी बाइट देखी और आज क्यों नहीं देखी? आपने आप नहीं सोचा ये क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो राम मंदिर नहीं जाते मैं उनको डिफेंड नहीं कर बीजेपी को। नमस्कार सर, मेरा नाम रूपेश भारद्वाज है। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो तो राम मंदिर का विरोध तो कांग्रेस और विपक्षी नेता बहुत पहले से कर रहे हैं, अभी आपने क्यों छोड़ा? और दूसरी बात, पहले संजय सिंह जेल गए, अभी अरविंद केजरीवाल जेल गए, क्या आपके मन में कोई डर नहीं था ईडी का? आजादी और इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है, रूबिका जी कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है। मैं आपको और मेरा 3-4 महीने पुराना एफिडेविट आपको मिल जाएगा नेट पे, आप डालोगे वही खड़ा हूं सर, गौरव वल्लभ उदयपुर वहां से चली गई जो मेरे भगवान की दया से और माता मेरे विचार क्या थे, मेरा विचार था बौद्धिक समाज, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, मेरे खिलाफ, एक मिनट रूबिका जी, मेरे विचार थे नो करप्शन, कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया। खिलाफ कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस वासी से काम नहीं कर रहा हूं। अच्छा सर देखिए, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास, वही तो इंक्लूसिव समाज है। जिस पार्टी को चुनाव से वोट करना है, जिस पार्टी को छोड़ा है उसे, मोदी जी को गाली देते कांग्रेस के सबसे मुखर प्रवक्ता, कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है। एक आप लोगों को बता देना चाहती हूं, आज वीडियो गेम में एक लास्ट 9 साल पहले की बात है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड आ जाता है, आपको याद होगा, मैं कॉन्ट्रा खेलते हैं अपन एक वीडियो गेम है उसमें, ये कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली गई है, तो पता चला वो स्वयं को गालियां दे रही है रूबिका जी, हमें मालूम नहीं, दे आर अब्यूजिंग देमसेल्व। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्या उदाहरण? एक फिर मैं आपका सवाल, पैशनेट हो जाते हैं तो इन्होंने कहा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार, मैंने अपनी प्रोफेसरी छोड़ी है, सबैटिकल लिया, मैंने कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए सबैटिकल लिया, आज कांग्रेस पार्टी देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली दे रही है,
सब छोड़ा है, पहले अडानी आगे बढ़ा, फिर अंबानी, और आज का दिन है एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा उसको गाली, फिर एक बिजनेस समूह के सीओ ने सरकार की तारीफ कर दी उसको गाली। कहीं तो रुकोगे? ठीक है, मैं समझ गई, ये बातें आपने पहले भी बोली हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, मैं तो पार्टी के लिए काम करूंगा, बीजेपी के मुखालिफ आज वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की है सूरत, बीजेपी में क्यों आन मिले सजना? ऐसे ही कुछ और भी नेता है जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन के विरोध का पहले आप विजेंदर जी का ये बयान सुनिए और उसके बाद मुझे बताइए, विरोध में नारे लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे, कांग्रेस यहाँ मुख दर्शक बनी हुई बैठी, इसका मतलब क्या कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है? मैंने कहा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना एक तरह का पाप है। और रूबिका जी, बाद में हर साल मैं बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आपको याद नहीं थी? क्योंकि मैंने उनको कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी में जाके आपको डिफेंड नहीं करूंगा, ये मैंने उनको साफ बोला। मैंने उनको चार महीने दिए रूबिका जी, चार महीने को गाली दो। मैंने कहा अगर इंडिया कांग्रेस प्रभु राम के दर्शन को पहले बोला कि साहब हम वो इवेंट में नहीं जाएंगे, अरे तीन महीने तो हो गए थे ना, तीन काम करने, उसके बाद भी क्यों नहीं गए यात्रा के दौरान वहाँ उसके पास से निकल गए पर दर्शन नहीं करेंगे? मैं साहब ये पाप नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा, मेरे में इतने संस्कार है ना। रही बात रूबिका जी का, मेरा 7 साल पुराना जो इन्होंने किस्सा बताया, आज आपको मैं बच्चों इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट यूपीए सरकार के मुख्यमंत्री एट द एज ऑफ 32 मैं फुल प्रोफेसर बना, कोई स्टैंड कुछ नहीं है, देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, छोटे में नहीं, नए लोगों को गाली दो, लिस्ट ऑफ पावर मेरे को पैसा सनातन को गाली दो लेना या भगवान श्री राम लेनी, अरे मैं तो इसका में मत जाओ, एक आपको क्या जरूरत थी 42 पार्टी एमपीओ वाली पार्टी जॉइन करने की? अच्छा अच्छा, अब आगे बढ़ो, गौरव जी सुनिए ना, संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में 5 खेल चुके हैं, आप उनका बयान सुनिए और मुझे बताइए क्या ऐसा है। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ आपको याद है, कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं, पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, 50% पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगे रहती है, तो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है। मैं भी उस चिंतन शिविर में था, मैंने भी उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी का भी, और मुझे आज भी कहता हूँ वो एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है, कमेटी में लागू हुआ एआईसीसी, फिर बहन जी पीसीसी में लागू भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती है। गौरव वल्लभ बताएंगे आप क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लागू हुआ, 5 का जिक्र किया, 3 रूबिका जी ने सुनवा दिया, निर्णय किए भी चीजों को लागू नहीं कर सकते, वास्तव में निर्णय वही ले रहे हैं जो आप निर्णय कर रहे हो, और जो 5वां नाम लिया इन्होंने, मैंने तो मैं मेरे मुंह से नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञा करके आया हूं, आरोप भी मैंने, पर जो 5वां नाम लिया वो वही व्यक्ति है जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य अलग है इस पे कंफ्यूजन है। केसी वेणु आप लोग जो हैं, मैंने क्या बोला लगातार, आप उनसे पूछना, खरगे परेशान ऐसे 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 तो कर ही सकते हैं ना आप, उनके जब प्रवक्ता हुआ करते थे यही सवाल तो हम भी करते थे, तो जो 5वां नाम जो पहला नाम आपने लिया आपको लगा होगा कि नहीं बस अब इससे ज्यादा हो पा रहा है, निरुपम जी का 5वां और आपका पहला वो कौन सा एक ही नाम है वो जी, जब राम मंदिर तो उनको वो कांग्रेस चला रहे हैं, उनको मैं सच बता रहा हूं बच्चों, आप मेरी बात पे विश्वास मत कर रहे हो तो आप एक बार उनसे पूछ लो जाके कि सर बिहार की 3 सीटें बताओ, तो वो बताएंगे उदयपुर, अहमदाबाद और सूरत, वो ये बताएंगे, क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड कनेक्ट है ही नहीं आपका, आप जो लोग चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी में वो लोग निर्णय नहीं लेते, कांग्रेस पार्टी में पीएस निर्णय ले रहे हैं। अच्छा अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे फर्स्ट टाइम वोटर दर्शक जो इस वक्त यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की गूंज कार्यक्रम में आए हैं इनसे कुछ और सवाल है, तैयार है आप लोग? हाँ, ये राउंड 2 है सवालों का, कौन पूछेगा सवाल? ओके, सारे सवालों के जवाब दे दिए या नहीं अभी भी मन में बचते हैं? बस एक सवाल का जवाब है वही आपसे लेना चाहूंगा। हाँ। सर मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है, मैं अरुणाचल प्रदेश की एमकॉम कॉलेज से आता हूँ। सर आप बार बार बोल रहे कि मैं कायर नहीं हूँ और आप पे आरोप लग रहा है कि आप कायर हैं, तो आज अपनी कायरता को मतलब बिल्कुल नकारते हुए ये बोल दीजिए कि कौन कौन से उस कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जो अच्छे इंसानों को काम नहीं करने दे रहे। ये मैं आपको कायरता का नहीं है वो प्रॉब्लम,
वो एथिकल प्रॉब्लम है। सर लड़का चैलेंज कर रहा है। मेरी बात सुनो, मैं चैलेंज आपका स्वीकार, आपको टीवी शो खत्म होते ही सारी बातें बता के जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा। पर प्रॉब्लम ये है सर, देश जानना चाहता है क्योंकि हर क्योंकि पहले शहजाद पूनावाला जी आए, उन्होंने भी यही बोला कि कांग्रेस में कुछ ऐसे गठबंधन अंदर के गठबंधन है, लेकिन अब ये नहीं जानने को मिला ना कौन गठबंधन है, क्या हमें भी कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा? मैंने एक का तो नाम बता दिया। एक सर रुकिए, पहले कुछ और सवाल ले लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा डबासा और एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी तब आपकी जो दिशा कांग्रेस से मैच हुई थी और अब जो बदल गई है, वो जाके बीजेपी से ही क्यों मिली, वो किसी और पार्टी से क्यों नहीं मिली? बढ़िया सवाल। और अच्छा दोबारा पूछेंगे, दोबारा नहीं कोई तो सवाल होगा भाई मन में है। ओके, मेरा आपसे एक ये प्रश्न था कि आप जब बीजेपी में ज्वाइन हुए तो पात्रा जी का फोन आया आपके पास? चलिए आपके सवाल से जवाब देते हैं। संबित जी क्या है कि वो पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है अभी उनका चुनाव का जो कैंपेन है चरम पर होगा, इस कारण से उन्होंने फ़ोन नहीं किया। चुनाव का मतदान के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे फ़ोन जरूर करेंगे, पर अभी तक नहीं आया। अच्छा आप तो कर लीजिए, आप तो उनकी पार्टी के हो गए। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है कि उसके कैंपेन में मैं जाके मदद कर सकूँ तो ठीक है, अभी मैं उनको फोन करके डिस्टर्ब करूं ये ठीक नहीं। अच्छा और वो ट्रिलियन में जीरो वाली बात के, ट्रिलियन में आपने जीरो पूछे, मैंने एक जगह बोला भी, आपको भी बोलता हूँ कि अब अपन अपनी इंडिया की यूनिट से यूज में लाएंगे और हमारे हमारी यूनिट है 1 trillion = 1 lakh crore, तो हम 5 trillion नहीं 5 lakh crore की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। कायर क्या होता है? कायर वो होते हैं जो अपनी पिता की एमपी की सीट छोड़ के भाग जाते हैं, वो कायर होते हैं। अच्छा अब मैं अगले राउंड पर जा रही हूँ, आप लोग तैयार हैं? अभी अगला राउंड है कि हम प्रोफेसर साहब को चेहरा दिखाएंगे और जो पहला भाव प्रोफेसर साहब के मन में आएगा वो प्रोफेसर साहब को या तो शब्दों में बयां करना है या एक्सप्रेशन, क्योंकि ये शब्दों में कम बयां कर रहे हैं, नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ अच्छा गाने से बता दे, चलिए अब फर्स्ट टाइम वोटर्स है भाई, कह रहे हैं कि गाने से ही बता दीजिएगा आज, जो भी मतलब जो इनका मन करे ये यहाँ पर कर सकते हैं, अलावा गाली गलौज के, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला फोटो, पहला चेहरा बताएं गौरव वल्लभ जी को। ये देखिए सर आपके पीछे है, आप पीछे देखिए सर, छोड़ा है जिनको आप। अच्छा इन्होंने क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, ये मैं कह सकता हूँ, और चार बार से सांसद है, इनको 5 बार से राज्यसभा, इनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, इनको ये एक ही लेना देना है कि मेरी राज्यसभा रिपीट हो जाए, ये वो है। चलिए अगली फोटो, ये गलत बिजनेसमैन, he is not fit for public life. I am very categorical on this. ये देश को समझने में समर्थ नहीं है। इनके लिए मैं एक लाइन, अगर वन लाइनर अलाउड है तो मैं बोलता हूँ, गुड पर्सन इन ए रॉन्ग बिजनेस, ही डजेंट अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग एट द ग्राउंड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी की फोटो आते ही गौरव जी अंग्रेजी में बात करने लगे। नहीं मैंने हिंदी में भी बोला। हाँ बोला, लेकिन मैं इन अगले पिछले 40 मिनट में पहली दफा आपको अंग्रेजी में बोलते हुए सुन रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर। ही नोज मैनी थिंग्स बट ही डजंट नो मैनी अदर थिंग्स, इन्हें बहुत सी चीजें पता है पर इन्हें बहुत सी चीजें नहीं भी पता है, और वो यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए, यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए, मेरे लिए भी है, रूबिका जी लिए। आप मेरे को बोलो साहब एनाटॉमी समझाओ, मैं नहीं समझा सकता रूबिका जी। आपको मैं बोलूँ कि आप बीएससी, आप तो बीए करे हुए मेरे ख्याल से, बीएससी का कोई इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशियल का सवाल पूछ लूँ आप नहीं बता सकते। तो ही नोज मैनी थिंग बट ही डजंट नो मैनी अदर थिंग, ये इशारा कर रहे हैं कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो ये संबित जी नहीं बता पाए थे, तो ही डजंट नो मैनी थिंग्स। ओके नेक्स्ट, इनके लिए मैं एक ही शब्द बोलूंगा जिसको कहते हैं हम
घोर कम्युनिस्ट विचारधारा, एक्सट्रीम लेफ्ट थॉट प्रोसेस, ये इनके कई कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, मैंने भी पढ़े हैं और मैं इनके एजुकेशन और नॉलेज का प्रशंसक पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। पर इनकी विचारधारा प्योर लेफ्टिस्ट विचारधारा है। मार्क्स और लेनिन। सर आप इधर ही देखिएगा। नेक्स्ट देख तो लीजिए जी। मैंने देख लिया, देख लिया ना, मेरे साथी थे पुराने, कभी वेलकम होने वाला हो करेंगे इनका भी। चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं इस बार? चुनाव लड़ना होता तो मैं आपको ये, मैडम ये बात गलत है, आधे घंटे से मैं जो बात समझा रहा हूँ आप वापिस पूछ रहे हो। अरे तो मैं तो ठप्पा लगा रही हूँ ना कि आप जो कह रहे हैं वो। आई एम नॉट फॉर लस्ट ऑफ पावर। अगर ये करना होता तो 4 अप्रैल की जगह मैं 15 मार्च को भी ये काम कर सकता था ना, 4 महीने की जगह 3.5 महीने लोगों के पीछे घूमता। मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। आई एम नॉट हियर फॉर गेटिंग टिकट और गेटिंग ग्रैबिंग पावर। की बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से जमकर वहां प्रदर्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ये तस्वीरें आपके सामने है, दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है और इलेक्शन कमीशन के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। खबर यह आ रही है कि पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और ये तस्वीर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर बसों में बकायदा टीएमसी के उनके ऑफिस के स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज गूंज एक बहुत ही अलग अंदाज में आपके सामने। भाई जनरली आप क्या देखते हैं, दो अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं, एक मुद्दा होता है और उस पर लगातार आप एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नेताओं को देख रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ गूंज में लोकसभा चुनावों में फर्स्ट टाइम वोट करने वाले वोटर्स हैं और यहाँ मंच पर हमारे साथ मौजूद है गौरव वल्लभ। मैं पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी, ये सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। गौरव वल्लभ, अगर आज से 3 दिन पहले मैं इनका अगर इंट्रोडक्शन देती तो वो थोड़ा अलग किस्म का होता, लेकिन आज जब मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो 7 साल कांग्रेस का दामन थामे रहे, कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के लिए जी तोड़ मेहनत की और फिर रातों रात मन में एक विचार आया और फिर इन्होंने बीजेपी का कमल हाथ में थाम लिया है। हाथ में कमल बीजेपी का आपने थाम लिया है, क्या वजह रही? कई जगह पर ये अब तक इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन मैं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को और यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बैठे हैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक गौरव वल्लभ ने देश के सामने नहीं रखी है, उनके अंदर दिल के उस दर्द को और पार्टी को धोखा दिया इसकी सफाई को उन्होंने नहीं रखा है और आज वही बात आप 5 बजे की इस गूंज में देखने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका। पहला सवाल तो ये कि आपने पानी पी पी कर बीजेपी को गालियां दी, आपसे बकायदा पूछा गया कि आप बीजेपी कभी ज्वाइन करेंगे तो आपने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, 100% नहीं करूंगा। और आपने ये कहा मेरे लिए लिबरल विचार, बौद्धिकता की ओर अग्रसर समाज, काम करने की आजादी और इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है, इसीलिए कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है। अब 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो सारी बातें खत्म हो गई और बीजेपी में आपको सब नजर आ रहा है? रूबिका जी मैं तो वहीं खड़ा हूँ अभी भी, कांग्रेस वहां से चली गई जो मेरे विचार थे। मेरे विचार क्या थे? मेरा विचार था बौद्धिक समाज, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। कांग्रेस वहां से निकल चुकी है। मेरा विचार थे नो करप्शन, पर कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया। कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। कांग्रेस वहां से चल, मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास, वही तो इंक्लूसिव समाज है।
आज क्या हो गया रूबिका जी कि मोदी जी को गाली देते देते कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है। एक बच्चों एक एक वीडियो गेम में एक लास्ट स्टेज में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड आ जाता है, आपको याद होगा। मैं कॉन्ट्रा खेलते हैं अपन, एक वीडियो गेम है उसमें, ये कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली गई है। उसको वो स्वयं को गालियां दे रही है रूबिका जी, दे आर अब्यूजिंग देमसेल्फ। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक फिर मैं आपका सवाल लूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे 1991 में आया। आज कांग्रेस पार्टी देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली देती है, पहले अडानी, फिर अंबानी, फिर एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा उसको गाली, फिर एक बिजनेस समूह के सीईओ ने सरकार की तारीफ कर दी उसको गाली। अरे कहीं तो रुकोगे? नहीं ठीक है, मैं समझ गई, ये बातें आपने पहले भी बोली हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप तो बीजेपी के मुखालिफत करते हुए कांग्रेस के साथ थे ना, तो बीजेपी में क्यों आन मिले सजना? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तीन बातें बोली थी अपने पत्र में। पहला कि जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन के विरोध का, गालियों का विरोध करो, सनातन के विरोध में नारे लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे, कांग्रेस यहाँ मुखदर्शक बनी हुई बैठी है, इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है? मैंने कहा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना एक तरह का पाप है। और रूबिका जी, हर साल मैं बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आपको याद है, इस साल की मैंने नहीं की क्योंकि मैंने उनको कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी में जाके आपको डिफेंड नहीं करूंगा, ये मैंने उनको साफ बोला। मैंने उनको 4 महीने दिए रूबिका जी, 4 महीने मैंने कहा अगर आप प्रभु राम के दर्शन कर, पहले बोला कि साहब हम वो इवेंट में नहीं जाएंगे, अरे 3 महीने तो हो गए थे ना, उसके बाद भी क्यों नहीं गए? अच्छा, यात्रा के दौरान वहां उसके पास से निकल गए पर दर्शन नहीं करेंगे, तो मैं साहब ये पाप नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर कांग्रेस का स्टैंड आपको ना पसंद है? मैंने कहा ना कांग्रेस की विचारधारा कुछ रही नहीं है रूबिका जी। कांग्रेस आज आपको आश्चर्य होगा कुछ पूर्व यूपीए सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पीए चला रहे, कोई स्टैंड कुछ नहीं है, कुछ भी स्टैंड नहीं है। वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, नए लोगों को गाली दो, सनातन को गाली दो, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाओ। एक आपको एक बहुत रोचक एक एग्जांपल देता हूँ, अभी तक कहीं नहीं बोला मैं ये बात। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस, उदयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, मैं बता दूं आपको। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, आपको याद होगा, वहां पे एक निर्णय किया 50 अंडर 50, मतलब 50% पद 50 साल के कम उम्र के लोगों को हम देंगे। किसने निर्णय किया? भाजपा ने नहीं किया, मैं भी उस चिंतन शिविर में था, मैंने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई और मुझे आज भी कहता हूँ वो सही निर्णय था। कहाँ पर वो लागू हुआ? क्या ऑल इंडिया चापलूस कमेटी में लागू हुआ, AICC? क्या PCC में लागू हुआ? क्या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में लागू हुआ? क्या ब्लॉक कांग्रेस में लागू हुआ? क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लागू हुआ? आप स्वयं के निर्णय किए हुई चीजों को लागू नहीं कर सकते, तो देश के लोगों के लिए जो आप निर्णय कर रहे हो देश आप पे विश्वास क्यों करेगा साहब? अच्छा भाई, मैंने तो आपके साथ खूब सारे डिबेट किए हैं, हाँ, और आपकी तरफ से खूब सारे आरोप भी मैंने झेले हैं, मतलब सवाल किया तो आपकी तरफ से, इनफैक्ट पार्टी की तरफ से, मैं तो खुद उन बैन लिस्ट में से एक एंकर हूँ कि आप लोग जो हैं लगातार कांग्रेस को परेशान करते रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आप उनके जब प्रवक्ता हुआ करते थे यही सवाल तो हम भी करते थे, आज वो बदलाव कैसे? कहीं होगा ना आपको लगा होगा कि नहीं बस अब इससे ज्यादा ऊपर गया तो घड़ा छलक जाएगा, वो कौन सा पल था? रूबिका जी, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, मैं उदयपुर गया, मेरे कार्यकर्ता मुझे बच्चों बोले कि भैया बाहर नहीं निकल सकते शर्म के मारे, तो मैंने वहां अखंड रामायण का पाठ कराया राम मंदिर में बैठ के और स्वयं ने किया। मैंने कहा हम इनके पापों का प्रायश्चित करेंगे, तो यह तो राम मंदिर का तो अभी हुआ प्राण प्रतिष्ठा का। मैंने इनको कहा
कि सनातन का विरोध कर रहे हो ये सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि आप साइलेंटली एक बात बताओ बच्चों, कोई दो चीज जने लड़ रहे हैं और एक आरोप दे रहा है और एक जो व्यक्ति है जो उसकी साइड है वो चुप बैठा है, इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट करता है? मैंने कहा चुप्पी तोड़ो, तुम बोले नहीं। मैं 4 महीने तक रूबिका जी जैसे मेरे को कुछ नौकरी चाहिए ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर गया, सारे शीर्ष नेताओं के, कि ये पाप मत करो। नहीं तो वो बोलते क्या है, मतलब जब आपने कहा कि नहीं भाई, वो सुनते हैं, बस सुनते, वो सुनते हैं और फिर कोई आंसर नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको मैं कोई बात बोलूं आप सुन लो और अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाओ, इसका मतलब यू आर इग्नोरिंग। नहीं तो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, हिंदू या हिंदुत्व को गाली देना, ये कोई तो उनको फीड कर रहा होगा ना, ये कौन है? ये वो लोग हैं रूबिका जी जिन्होंने अपनी क्लास का मॉनिटर का चुनाव, वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। मॉनिटर कभी जीवन में बन नहीं पाए क्लास के, वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। कौन कौन? मैं रूबिका जी, देखो मेरी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम अच्छी बात नहीं है और क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही अपनी नाम भी बोलेंगे आज गूंज में हर एक सच्चाई को गूंजना होगा, ये तो लगातार आप मानते हैं ना इस बात को, अब ये राजस्थान का चुनाव ससुराल है लेकिन आज हमारे साथ गूंज में लोकसभा चुनाव और अब राजस्थान के ही वोट करने वाले वोटर्स हैं और इनके बारे में कुछ पर हमारे कांग्रेस के मौजूद है, जयपुर ग्वारा से चुनाव लड़ रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, क्या कह रहे हैं जयपुर से, फर्स्ट टाइम वोटर, सुनिए क्या कह रहे हैं गौरव वल्लभ। अगर बाहर जाकर आप अपने परिवार को गाली देते हैं, दूसरे परिवार के साथ मिलकर, ये और बड़ा पाप किस्म का होता, तो आप चले गए। आज जब मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूं, तो 7 साल टिकट दिया कांग्रेस का दामन थामे रहे, तो ये जो चेहरा गौरव वल्लभ का, इसको कोई नहीं जानता था कांग्रेस, जी तोड़ मेहनत की और फिर रानी जानता था, मन में एक विचार आया और फिर इन्होंने बीजेपी का गली गलौज का कमल हाथ में थाम लिया है। पर मैं ये जरूर कहूंगा बच्चों, ये वहाँ पे ये कह रहे हैं कई जगह पर, ये अब तक मेरे को चुनाव लड़ना ही नहीं था, जबरदस्ती लड़ रहा हूँ, ये चुनाव लड़ने के पहले कह रहे हैं कि मेरा कैरियर खत्म। कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक गौरव वल्लभ ने देश के सामने नहीं रखी है, उनके अंदर दिल के उस दर्द को और पार्टी को धोखा दिया इसकी सफाई को उन्होंने नहीं रखा है और आज वही बात आप 5 बजे की इस गूंज में देखने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। पहला सवाल तो ये कि आपने पानी पी पी कर बीजेपी को गालियां दी, आपसे बकायदा पूछा गया कि आप बीजेपी कभी ज्वाइन करेंगे, तो आपने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, 100% नहीं करूंगा, और आपने ये कहा मेरे लिए लिबरल विचार, बौद्धिकता की ओर अग्रसर समाज, काम करने की आजादी और इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है, इसीलिए कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है। आप 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो सारी बातें खत्म हो गई और बीजेपी में आपको सब नजर आ रहा है? रूबिका जी मैं तो वहीं खड़ा हूँ अभी भी, कांग्रेस वहां से चली गई जो मेरे विचार थे। मेरे विचार क्या थे? मेरा विचार था बौद्धिक समाज, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, कांग्रेस वहां से निकल चुकी है। मेरा विचार थे नो करप्शन, पर कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया। कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। कांग्रेस वहां से चल, मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास, वही तो इंक्लूसिव समाज है। आज क्या हो गया रूबिका जी कि मोदी जी को गाली देते देते कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है। एक बच्चों एक वीडियो गेम में एक लास्ट स्टेज में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड आ जाता है, आपको याद होगा, मैं कॉन्ट्रा खेलते हैं अपन, एक वीडियो गेम है उसमें, ये कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली गई है, उसको वो स्वयं को गालियां दे रही है रूबिका जी, दे आर एब्यूजिंग देमसेल्फ। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक फिर मैं आपका सवाल लूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे 1991 में आया। आज कांग्रेस पार्टी देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली देती है, पहले अडानी, फिर अंबानी, फिर एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा उसको गाली, फिर एक बिजनेस समूह के सीईओ ने
सरकार की तारीफ कर दी उसको गाली, अरे कहीं तो रुकोगे। नहीं ठीक है, मैं समझ गई, ये बातें आपने पहले भी बोली हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप तो बीजेपी के मुखालफत करते हुए कांग्रेस के साथ थे ना, तो बीजेपी में क्यों आन मिले सजना? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तीन बातें बोली थी अपने पत्र में। पहला कि जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन के विरोध का, गालियों का विरोध करो, सनातन के विरोध में नारे लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे, कांग्रेस यहाँ मुखदर्शक बनी हुई बैठी है, इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है? मैंने कहा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना एक तरह का पाप है। और रूबिका जी, हर साल मैं बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आपको याद है, इस साल की मैंने नहीं की क्योंकि मैंने उनको कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी में जाके आपको डिफेंड नहीं करूंगा, ये मैंने उनको साफ बोला। मैंने उनको 4 महीने दिए रूबिका जी, 4 महीने मैंने कहा अगर आप प्रभु राम के दर्शन के, पहले बोला कि साहब हम वो इवेंट में नहीं जाएंगे, अरे 3 महीने तो हो गए थे ना, उसके बाद भी क्यों नहीं गए? अच्छा, यात्रा के दौरान वहां उसके पास से निकल गए पर दर्शन नहीं करेंगे, तो मैं साहब ये पाप नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर कांग्रेस का स्टैंड आपको नापसंद है? मैंने कहा ना कांग्रेस की विचारधारा कुछ रही नहीं है रूबिका जी। कांग्रेस आज आपको आश्चर्य होगा, कुछ पूर्व यूपीए सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पीए चला रहे, कोई स्टैंड कुछ नहीं है, कुछ भी स्टैंड नहीं है। वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, नए लोगों को गाली दो, सनातन को गाली दो, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाओ। एक आपको एक बहुत रोचक एक एग्जांपल देता हूं, अभी तक कहीं नहीं बोला मैं ये बात। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस, उदयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, मैं बता दूं आपको। उदयपुर से उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, आपको याद होगा, वहां पे एक निर्णय किया 50 अंडर 50, मतलब 50% पद 50 साल के कम उम्र के लोगों को हम देंगे। किसने निर्णय किया? भाजपा ने नहीं किया, मैं भी उस चिंतन शिविर में था, मैंने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई और मुझे आज भी कहता हूँ वो सही निर्णय था। कहाँ पर वो लागू हुआ? क्या ऑल इंडिया चापलूस कमेटी में लागू हुआ, AICC? क्या PCC में लागू हुआ, क्या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में लागू हुआ, क्या ब्लॉक कांग्रेस में लागू हुआ, क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लागू हुआ? आप स्वयं के निर्णय किए हुए चीजों को लागू नहीं कर सकते, तो देश के लोगों के लिए जो आप निर्णय कर रहे हो देश आप पे विश्वास क्यों करेगा साहब? अच्छा भाई, मैंने तो आपके साथ खूब सारे डिबेट किए हैं, हाँ, और आपकी तरफ से खूब सारे आरोप भी मैंने झेले हैं, मतलब सवाल किया तो आपकी तरफ से, इनफैक्ट पार्टी की तरफ से, मैं तो खुद उन बैन लिस्ट में से एक एंकर हूँ कि आप लोग जो हैं लगातार कांग्रेस को परेशान करते रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आप उनके जब प्रवक्ता हुआ करते थे यही सवाल तो हम भी करते थे, आज वो बदलाव कैसे? कहीं होगा ना, आपको लगा होगा कि नहीं बस अब इससे ज्यादा ऊपर गया तो घड़ा छलक जाएगा, वो कौन सा पल था? रूबिका जी, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, मैं उदयपुर गया, मेरे कार्यकर्ता मुझे बच्चों बोले कि भैया बाहर नहीं निकल सकते शर्म के मारे, तो मैंने वहां अखंड रामायण का पाठ कराया राम मंदिर में बैठ के, और स्वयं ने किया। मैंने कहा हम इनके पापों का प्रायश्चित करेंगे, तो यह तो राम मंदिर का तो अभी हुआ प्राण प्रतिष्ठा का। मैंने इनको कहा कि सनातन का विरोध कर रहे हो ये सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि आप साइलेंटली, एक बात बताओ बच्चों, कोई दो चीज जने लड़ रहे हैं और एक आरोप दे रहा है और एक जो व्यक्ति है जो उसकी साइड है वो चुप बैठा है, इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट करता है? मैंने कहा चुप्पी तोड़ो, तुम बोले नहीं। मैं 4 महीने तक रूबिका जी, जैसे मेरे को कुछ नौकरी चाहिए ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर गया, सारे शीर्ष नेताओं के, कि ये पाप मत करो। नहीं तो वो बोलते क्या है, मतलब जब आपने कहा कि नहीं भाई, वो सुनते हैं, बस सुनते, वो सुनते हैं और फिर कोई आंसर नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपको मैं कोई बात बोलूं आप सुन लो और अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाओ, इसका मतलब यू आर इग्नोरिंग। नहीं तो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, हिंदू या हिंदुत्व को गाली देना, ये कोई तो उनको फीड कर रहा होगा ना, ये कौन है? ये वो लोग हैं
अंबिका जी, जिन्होंने अपनी क्लास का मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। मॉनिटर कभी जीवन में बन नहीं पाए क्लास के, वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। कौन कौन? मैं रूबिका जी, देखो मेरी भी एक एक एथिक्स है, अगर मैं नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही अपनी एथिक्स छोड़ दे। रुके, नाम भी आप नाम भी बोलेंगे आज? आज गूंज में हर एक सच्चाई को गूंजना होगा, ये तो गारंटी है कि नहीं है, मानते ना इस बात को? अब ये राजस्थान का चुनाव इन्होंने लड़ा, ससुराल है उदयपुर इनका, मैं बता देती हूँ आपको, खुद भी राजस्थान से हैं, और अब राजस्थान के ही एक पूर्व मंत्री हैं, वो इनके बारे में कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, क्या कह रहे हैं जयपुर शहर से, सुनिए क्या कह रहे हैं। कि बाहर जाकर आप अपने परिवार को गाली देते हैं दूसरे परिवार के साथ मिलकर, ये और बड़ा पाप है। तो आप चले गए, अभी उदयपुर से टिकट दिया है, उससे पहले टिकट दिया, तो ये जो चेहरा गौरव वल्लभ का, इसको कोई नहीं जानता था कांग्रेस से, कोई नहीं जानता था आपको? अब मैं देखो, मैं उनके मुकाबले गाली गलौज का स्तर मेरा है नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगा बच्चों, ये वहां पे ये कह रहे हैं कि मेरे को चुनाव लड़ना ही नहीं था, जबरदस्ती लड़ रहा हूं, ये चुनाव लड़ने के पहले कह रहे हैं कि मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं लड़ रहा हूं, ये वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं तो, मेरी तो हार निश्चित है, ये उनके बयान है, मेरे नहीं है, ये उनके कह रहे हैं मेरी हार निश्चित है पर फिर भी लड़ रहा हूं। अरे भाई, अब इन्होंने जिक्र किया मेरे को टिकट देने का, रूबिका जी मेरी बात सुनो, मैं आज आपको वो रहस्य पूरा बताऊंगा, और आपको पहली बार बता रहा हूं ऑन स्क्रीन। जमशेदपुर से मेरे को पार्टी ने, जैसे कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, कल आज रात को मेरे को बोला जाओ चुनाव लड़ो। क्यों बोला? क्योंकि जहां से टिकट दिया वहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी चुनाव लड़ रहे थे, 8 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वो। उन्हों बोले साहब प्लीज लड़ लो, हमको समझ ही नहीं आ रहा आपके सिवाय कोई लड़ ही नहीं पाएगा। मेरे को लास्ट दिन, मैंने नहीं मांगा रूबिका जी, मैंने नहीं मांगा, मैं सौगंध खा के कह सकता हूं अपने माता पिता और विद्या रानी की कि मैंने टिकट नहीं मांगा। मेरे को कहा आप लड़ो प्लीज। ये क्या जानते हैं जिन्होंने ये बेतुके बयान दे रहे हैं, ये क्या जानते हैं? फिर उदयपुर, रूबिका जी उदयपुर आप भी अच्छे तरह से परिचित हैं, वहां पिछले 5 बार से भाजपा जीत रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की पहली राजस्थान में 5 सबसे स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं तो उसमें उदयपुर आती है। बिल्कुल, मेरे को बोला वहां लड़ो। अगर मेरे को मांगना होता रूबिका जी तो मैं कोई मूर्ख हूं क्या बच्चों? मेरे को अगर चुनाव लड़ने, अरे मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब कांग्रेस के 40+2 42 सांसद थे, मैं 42 सांसद वाली क्यों करता? मेरे को कोशिश करके कोई और कर लेता। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि आपने अपना जमीर बेच दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 2 चुनाव हार गए। अरे अब आपको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर सेफ सीट मिले, अब आप राजाओं की तरह आप जो है जीते और राज्यसभा जाए। मुझे एक बात बता दो, मुझे अगर टिकट चाहिए होता तो मैंने 4 तारीख को ज्वाइन किया, 4 अप्रैल को, जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 99% सीटों पे टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो मैं 15 दिन पहले कर लेता। रूबिका जी, आई एम नॉट इन ए लस्ट ऑफ पावर, मैं सत्ता के लालच में नहीं हूँ, मैं सत्ता के लालच में होता तो जमशेदपुर से लड़ता चुनाव। अच्छा, लेकिन बीजेपी की विचारधारा और आपकी विचारधारा एक है, क्या आपने बीजेपी कैसे ज्वाइन किया? मैं वो बताता हूँ, कई चीजें होती है, हम अगर कोई परीक्षा देते हैं तो कुछ तो होती है मैंडेटरी कंडीशंस और कुछ होती है डिजायरेबल कंडीशंस। जैसे यूपीएससी देना है तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पर डिजायरेबल में होता है इफ कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छा रहेगा। तो मेरी 3 डिजायरेबल कंडीशन है, मैं राष्ट्र के प्रगति में अपनी आहुति देना चाहता हूँ, कांग्रेस नहीं लेती है, कांग्रेस को मतलब ही नहीं है, मैं धर्म की रक्षा में चुप नहीं रहूंगा, भले जिसको जो बुरा लगना है लगा लो, मैं सनातन विरोध के नारे नहीं लगा सकता, मैं प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका न्योता नहीं ठुकरा सकता, और मैं सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स सारे स्टार्टअप्स को गाली दूं। बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए विचारधारा से आपका मेल है कि नहीं है? भाई मेरी यही विचारधारा थी, कांग्रेस चेंज हो गई,
कांग्रेस के लिए एक महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल चोर था, आज वो सच्चाई का पर्यायवाची बन गया है। अच्छा, ये कांग्रेस के लिए एक और उदाहरण देता हूं। फर्स्ट टाइम वोटर से पूछ लेते ना, ये चेंज हुए कि कांग्रेस चेंज होगी, आपको क्या लगता है? सर चेंज हो गए हैं, हाँ तो कुछ सवाल सर भाई सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं ये लोग। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इन्हीं के एक और साथी है नासिर हुसैन, वो कुछ कह रहे हैं इनके लिए, सुन लेते हैं। हाँ भाई, नासिर हुसैन क्या कह रहे हैं? जहां तक गौरव बल्ला जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया, दो दो चुनाव पार्टी ने लड़वाया, सारे मौका उनको दिए, उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी में उनको ज़्यादा उनकी बेहतर हालत होगी, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए, ये भी वही व्यक्ति है जिसने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा कभी भी, ये वही है, और भी है उस लिस्ट में, पर ये वन ऑफ देम है। और एक मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं, क्या कर करके मैं अभी बोलूँगा तो ये घर से बाहर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा, अगर मैंने आपके सामने इनकी सच्चाई बता दी। अरे बीजेपी में तो लोग खुलकर बोलते हैं, आप नए नवेले नेता हैं, बोलिए ना। रूबिका जी, थोड़ा सा उन्होंने अपनी एथिक्स बेची है, यही तो मेरा बेमेल हो रहा था, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं अभी आप उनसे, नासिर जी से पूछो, शायद वो भी होंगे उस कमिटी में जिन्होंने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये सज्जन जिनकी फोटो आई, ये दो बार से राज्यसभा है, मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं। अगर मैं कांग्रेस के इतिहास के बारे में सवाल करूं तो इस कमरे से चले जाएंगे, और कैसे राज्यसभा लिए बता दूं तो सड़क पे चलना मुश्किल हो जाए इनका, सड़क पे चलना, इनकी तो हकीकत बता दूं तो इनके बारे में मैं क्या बोलूं। ये लोग ही तो है जो कांग्रेस को आज, और कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस के ये असिस्टेंट है, कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे साहब है उनके ऑफिस के ये ओएसडी है, ये ओएसडी का काम करते हैं, तो यही तो वो लोग हैं जो गलत, इनको पता ही नहीं कि सनातन क्या होता है, इनको पता ही नहीं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना क्या होता है, क्योंकि इनका विश्वास ही नहीं ना सनातन में ना प्रभु श्री राम में, तो ये तो है, इनको पता ही नहीं, ये सोचते हैं गाली दो, ये सोचते हैं एक मिनट, ये सोचते हैं गाली दे के भाग जाने से ठीक हो जाएगा। गौरव जी, तो आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, जिसका आरोप खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगा रहे थे, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन का अपमान कर रही है? कांग्रेस तुष्टीकरण तो है ही, कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा, दिशाहीनता का एक उदाहरण देता हूँ, आज सुबह बात करेंगे ईवीएम हैकिंग की, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसिस की, परसों सुबह बात करेंगे बेरोजगारी की, उसके अगले दिन बात अचानक से शुरू कर देंगे महंगाई की, उसके अगले दिन अडानी अंबानी को गाली देना चालू कर देंगे, उनको पता ही नहीं कि देश का मूड क्या है। आप बताओ, मैं चाहूँगा रूबिका जी, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आप कांग्रेस का कोई व्यक्ति आए तो उसको पूछना है कास्ट सेंसस में क्या डाटा कैप्चर होगा, कुछ पता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, बोलो लोग, उनकी नीति ये है लोगों को भ्रमित करो, गाली दो, उनका रूटीन बताता हूँ मैं, कांग्रेस के जो लोग ये नीतियाँ बना रहे हैं ना, उनका हाँ। रूटीन बताता हूँ, सुबह नाश्ता करो, नाश्ते में ये सोचो मोदी जी को माता जी की गाली दूँ कि पिताजी की गाली दूँ, लंच करो, लंच में सोचो अडानी को गाली दूँ आज या अंबानी को पकड़ूँ, और डिनर के साथ जो काम करते हैं वो मैं नहीं बोल सकता, मैं चुपचाप हूँ। अरे लोग आपको एहसान फरामोश कहेंगे, लोग कहेंगे जिस पार्टी ने आपको पलकों पे रखा, गोद में रखा, बड़ा प्रवक्ता बनाया, हर बार आप जो है ये जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, जब बजट अनाउंस होता है, तब आपको वो मंच दिया जाता था, दो दो बार के लिए चुनाव लड़वा दिया, आपने एहसान फरामोशी की ऐसे वक्त पर जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये तो मेरा सवाल है, सुप्रिया श्री ने, उनको सुन लीजिए वो क्या कह रही है, फिर जवाब दीजिएगा। वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी लोग, इस तरह की बेहूदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है। झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद्ध झूठे होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। सुन लिया,
आपको लगा नहीं, घबराहट नहीं हुई इनकी बात सुन के? डरा नहीं अपन के किस तरह की आवाज थी? ये वही लोग हैं बच्चों जो एक फिल्म अभिनेत्री को पूछ रहे थे जो चुनाव लड़ने जा रही है कि मंडी का भाव क्या है, ये वो लोग हैं। इनकी बात पे जवाब देना चाहिए क्या, मुझे ये बता दो। जवाब आप कहोगे तो दे दूंगा अभी। क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स जवाब देना चाहिए कि नहीं? ऐसी महिला का जवाब देना चाहिए जो इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हो? तो मैं दूंगा, ठीक है, आपने कहा मैं देता हूं। अब ये बताइए, कायर मैं हूं कि ये चुनाव लड़े नहीं है? चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? अरे चुनाव लड़ना चाहिए था ना, पिछली बार लड़ी थी, अभी क्यों नहीं लड़ी दीदी? क्यों नहीं लड़ी? अब कायर मैं हूं, अरे मैं तो 8-8 बार से हारी हुई सीटों में, इनके तो पिताजी की सीट थी, वो इनके पिताजी की सीट थी, मैं तो आपके जैसे परिवारों से आया हूं। ऐसी घटिया बातें बोलती है, यही तो प्रॉब्लम है। सुबह गाली दो मोदी जी को नाश्ते के साथ, ये देती है। लंच के साथ अडानी अंबानी को गाली दो, ये देती है। बाकी का अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बारी है भाई, आपके मन में भी तो बड़े विचार होंगे ना, आपके आपके भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, तो राउंड वन सवालों का शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, कौन है जो पहला सवाल पूछना चाहेगा? I'll begin with them. आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजान सिंह यादव है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से आता हूँ। तो सर, जैसा कि आपने अपने इस्तीफे में लिखा था कि आप पार्टी के साथ कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, और आपने लिखा कि ये जो नए आइडिया वाले जो युवा हैं उनके साथ पार्टी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो पहले हमें ये बताइए कौन से ऐसे आइडिया थे युवा के जो आप पार्टी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, और कौन सी ऐसी नई नीति है युवा के लिए जो आप चाहते हैं कि बीजेपी में रहकर कर सकेंगे? ओके, वंडरफुल क्वेश्चन। हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने पार्टी को कहा कि आप बेरोजगारी की बात करते हो, रोज करते हैं कि नहीं? मैंने कहा रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, इसका सकारात्मक एक ब्लूप्रिंट दो सरकार को। आप कहते हो बेरोजगार, मैंने कहा मैं देता हूं, तो बोले ये हमारा काम नहीं है, वी आर जस्ट हियर टू अब्यूज, ये हमारा काम नहीं है। आप किसी के लिए कुछ भी बोलते हो, युवाओं के लिए बात 50 under 50 वाली बात कही। फिर एक आपको उदाहरण देता हूं, 30 साल से पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना आपकी तरह, और आपसे भी शायद छोटा होऊंगा, तब मैं टीवी पर जिसे प्रवक्ता देखता था कांग्रेस का, आज भी वही मीडिया प्रभारी है, तो नए आदमी को आने ही नहीं देते हो आप। फिर एक और उदाहरण देता हूं, 30 साल से मैनिफेस्टो जो बना रहा है, इस बार भी मैनिफेस्टो वही बना रहा है। अरे भाई, उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आते क्या, 52 पे आते क्या? तो नए आदमी को नहीं आने देंगे वो, नए आदमी को। और जो टिकट दे रहा है, ये मैं बच्चों एक बहुत रोचक बात बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो व्यक्ति कांग्रेस में लोकसभा के टिकट दे रहा है, अगर आप उसको जल्दी से पूछ लो उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्र बताओ, तो वो बोलेगा पटना, शिलांग और जयपुर। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ रूपिका जी, तो जो टिकट पे हस्ताक्षर कर रहा है, हाँ, उस व्यक्ति से पूछना कि उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्रों का नाम बताओ, अगर वो 5 सेकंड में बता दे तो मैं रूबिका जी आप कौ जो कर लूं। अरे तो लेकिन 7 सालों में ये आप देख रहे थे ना रूबिका जी, अचानक मैं कैसे ये हृदय परिवर्तन? मैंने कोशिश करी कि मैं ये पूछिए कि आपने 7 साल पहले क्यों ज्वाइन किया, उसका उत्तर देता। अच्छा ठीक है। मैंने ये सोचा कि सबसे पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, नए लोगों को, नए आइडियाज को, एस्पायरिंग इंडिया के आइडियाज को वहां पे जगह मिलेगी, पर वहां पर हर जगह बॉटलनेक्स है। एक और रूबिका जी, एक बात बता रहा हूँ जो कि अभी तक कहीं नहीं बताई। 20 सेकंड। कांग्रेस की शीर्ष जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है CWC, मुझे बुला के कहा गया कि आप उसके मेंबर बन रहे हो, ठीक है। फिर मेरा नाम नहीं आया, तो 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैं मिला, तो मेरे को मैंने पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं आया सर, आपका धर्म वहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा। क्या बोला, क्या बोला? अरे मेरा धर्म नहीं हो रहा तो फिर मैं ऐसे अधर्मियों के साथ एक क्षण नहीं रह सकता।
आप सीरियस एलिगेशन? मैं आपको, मैं आपको, आप कहोगे तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा, मुझे जिसने बोला, जिस व्यक्ति ने बोला, बताइए नाम, बताइए। कांग्रेस के शीर्ष नेता जो डिसीजन मेकिंग में टॉप पे होते हैं, नाम बताइए ना, नाम बताइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम रूपिका लियाकत है, और आज गूंज एक बहुत ही अलग फिर मेरे में और उनमें अंतर रहने दो। आप कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, टॉप लीडर जो आपके जहन में, बच्चे एक्साइटेड है जानने के लिए, जो आपके जहन में टॉप लीडर आ रहा है, उसने मुझे बुला के बोला, कौन आ रहा है आज हमारे साथ जो में बुला नाम के, बोला भाई मैं, मेरे को बुला के बोला, मैं आपको फिर बोलाता हूँ, मेरे को बोला आप सीडब्ल्यूसी में मेंबर बना रहे हैं 15-20 दिन बाद, मैं तो ऐसे पद के लिए मर नहीं रहा था। मैं तो बच्चे पूछ रहे हैं सर, कौन वोटर्स है सर? मेरा ये क्वेश्चन है, नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जैसे पार्टी एक परिवार की तरह होता है, उस परिवार ने आपको इतना बढ़ाया, मतलब इतना बड़ा किया, इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुँचाया, तो अगर उस परिवार में कोई गड़बड़ी होती है तो हम चाहते हैं कि हम उसे मॉडिफाई करें, हम उसे सुधारें, लेकिन आपने तो मतलब छोड़ दिया, चार महीने तक, क्या वजह, चार महीने तक कई जगह पर अब तक मैंने कहा मैं टीवी में नहीं, जो मेरे को लगा मेरी इस बात से इन पे फर्क पड़ेगा प्रज्ञा, कि मैं बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मैं टीवी में नहीं जाऊंगा, मेरे को लगा इस बात पे फर्क पड़ेगा, मेरी बात सुनेंगे। चार महीने तक आपने बच्चों, रूबिका जी, मेरे को आपने पिछले चार महीने में सच बताइए, एक भी आपने मेरी बाइट देखी है, और आज क्यों नहीं देखी? आपने आप नहीं सोचा ये क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो राम मंदिर नहीं जाते मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। नमस्कार सर, मेरा नाम रूपेश भारद्वाज है। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, तो राम मंदिर का विरोध तो कांग्रेस और विपक्षी नेता बहुत पहले से कर रहे हैं, अभी आपने क्यों छोड़ा? और दूसरी बात, पहले संजय सिंह जेल गए, अभी अरविंद केजरीवाल जेल गए, आपके मन में तो डर नहीं था ईडी का? बहुत जरूरी है कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है। मैं आपको और मेरा 3-4 महीने पुराना एफिडेविट आपको मिल जाएगा नेट पे, आप डालोगे तो वहीं खड़ा हूं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ उदयपुर वहां से चली गई, जो मेरे भगवान की दया से और माता मेरे विचार के आशीर्वाद से, मेरा विचार था बौद्धिक समाज, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, मेरे खिलाफ, एक मिनट रूपिका जी, मेरे विचार थे नो करप्शन, पर कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया। कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस वहां से काम नहीं कर रहा हूं। अच्छा सर, देखिए, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास, वही तो इंक्लूसिव समाज है। जिस पार्टी को चुना उसे वोट करना है, जिस पार्टी को छोड़ा उसे वोट करना है। मोदी जी को गाली देते कांग्रेस के सबसे मुखर प्रवक्ता, कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है। एक आप लोगों को बता देना चाहती हूं, आज वीडियो गेम में एक लास्ट 9 साल पहले की बात है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड आ जाता है, आपको याद होगा। मैं कॉन्ट्रा खेलते हैं अपन, एक वीडियो गेम है उसमें, ये कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली गई है, तो पता चला कि वो स्वयं को गालियां दे रही है। हमें मालूम नहीं, दे आर अब्यूजिंग देमसेल्व्स। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्या उदाहरण? एक फिर मैं आपका सवाल, पैशनेट हो जाते हैं तो इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार, मैंने अपनी प्रोफेसरी छोड़ी, सबैटिकल लिया, मैंने कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए सबैटिकल लिया। आज कांग्रेस पार्टी देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली दे रही है, सब छोड़ा है, पहले अडानी को आगे बढ़ा, फिर अंबानी, और आज का दिन है, एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा उसको गाली, फिर एक बिजनेस समूह के सीओ ने सरकार की तारीफ कर दी उसको गाली। कहीं तो रुकोगे? ठीक है, मैं समझ गई, ये बातें आपने पहले भी बोली हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, मैं तो पार्टी के लिए काम करूंगा, बीजेपी के मुखालिफ आज वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए सूरत तक, बीजेपी में क्यों आन मिले सजना? ऐसे ही कुछ और भी नेता, तीन बातें बोली थी जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। मैं उनमें से जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन के विरोध का पहले आप विजेंदर जी का ये बयान सुनिए, और उसके बाद सनातन के विरोध में नारे लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे, कांग्रेस यहाँ मुखदर्शक बनी हुई बैठी। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है? मैंने कहा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना एक तरह का पाप है। लेकिन रूबिका जी, बाद में हर साल मैं बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आपको याद है? नहीं थी, क्योंकि मैंने उनको कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी में जाके आपको डिफेंड नहीं करूंगा, ये मैंने उनको साफ बोला।
मैंने उनको चार महीने दिए रूबिका जी, चार सनातन को गाली दो। मैंने कहा अगर कांग्रेस प्रभु राम के दर्शन को पहले बोला कि साहब हम वो इवेंट में नहीं जाएंगे, अरे तीन महीने तो हो गए थे ना, तीन काम करने, उसके बाद भी क्यों नहीं गए, जो मैं यात्रा के दौरान वहाँ उसके पास से निकल गए पर दर्शन नहीं करेंगे, वो मैं साहब ये पाप नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं अपने मुँह से नहीं बोल पाऊंगा, मेरे में इतने संस्कार कहा ना। रही बात रूबिका जी का, मेरा 7 साल पुराना जो इन्होंने किस्सा, कांग्रेस आज आपको आश्चर्य होगा, बच्चों इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट फुल सरकार के मुख्यमंत्री एट द एज ऑफ 32 में फुल प्रोफेसर बना, कोई स्टैंड कुछ नहीं है, देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, छोटे में नहीं, नए लोगों को गाली दो, लेस्ट ऑफ पावर, मेरे को पैसा सनातन को गाली दो, लेना या भगवान ताकत लेनी, अरे मैं तो इसका में मत जाओ, एक आपको क्या रोचक जरूरत थी 42 पार्टी एमपीओं वाली पार्टी ज्वाइन करने, गौरव जी सुनिए ना, संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से 5 खेल चुके हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए और मुझे बताइए कि ऐसा है। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, आपको याद है, समय कांग्रेस पार्टी में 5 निर्णय किया, पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, 50% और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है, तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, मैं भी उस चिंतन शिविर में था, मैंने भी उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी का भी, और मुझे आज भी कहता हूँ वो एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है, कमेटी में लागू हुआ एआईसीसी, फिर बहन जी पीसीसी में लागू, भी एक अपनी कोटरी है वो अपने ढंग से एग्जर्ट करती रहती है, गौरव वल्लभ कांग्रेस में बताएंगे अब क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लागू, इन्होंने 5 का जिक्र किया, 3 रूपिका जी ने सुनवा दिया, निर्णय किए भी चीजों को लागू नहीं कर सकते, वास्तव में निर्णय वही ले रहे हैं जो आप निर्णय कर रहे हो, और जो 5वां नाम लिया इन्होंने, मैंने तो मैं मेरे मुंह से नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञा करके आया हूं, आरोप भी मैंने, पर जो 5वां नाम लिया है वो वही व्यक्ति है जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य अलग है इस पे कंफ्यूजन है, केसी वेणु आप लोग जो हैं, मैंने क्या बोला लगातार, आप उनसे पूछना, खरगे जी परेशान ऐसे 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 तो कर ही सकते हैं ना, आप उनके जब प्रवक्ता हुआ करते थे यही सवाल तो हम भी करते, तो जो 5वां नाम, जो पहला नाम आपने लिया, आपको लगा होगा कि नहीं बस अब इससे ज्यादा हो पाए, संजय निरुपम जी का 5वां और आपका पहला, वो कौन सा एक ही नाम है वो जी, जब राम मंदिर तो उनको वो कांग्रेस चला रहे हैं, उनको मैं सच बता रहा हूं बच्चों, आप मेरी बात पे विश्वास मत कर रहे हो तो आप एक बार उनसे पूछ लो जाके कि सर बिहार की 3 सीटें बताओ, तो वो बताएंगे उदयपुर, अहमदाबाद और सूरत, वो ये बताएंगे, क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड कनेक्ट है ही नहीं आपका, आप जो लोग चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी में वो लोग निर्णय नहीं लेते, कांग्रेस पार्टी में पीएस निर्णय ले रहे हैं। अच्छा अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे फर्स्ट टाइम वोटर दर्शक जो इस वक्त यहाँ न्यूज 18 इंडिया की गूंज कार्यक्रम में आए हैं, इनसे कुछ और सवाल है, तैयार है आप लोग, हाँ ये राउंड 2 है सवालों का, कौन पूछेगा सवाल, ओके सारे सवालों के जवाब दे दिए या नहीं अभी भी मन में बचते हैं, बस एक सवाल का जवाब है वही आपसे लेना चाहूंगा, हाँ, सर मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है, मैं अरुणाचल प्रदेश की एमकॉम कॉलेज से आता हूँ, सर आप बार बार बोल रहे कि मैं कायर नहीं हूँ और आप पे आरोप लग रहा है कि आप कायर हैं, तो आज अपनी कायरता को मतलब बिल्कुल नकारते हुए ये बोल दीजिए कि कौन कौन से उस कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता है जो अच्छे इंसानों को काम नहीं करने दे रहे, ये मैं आपको कायर सर का नहीं है वो प्रॉब्लम, वो एथिकल प्रॉब्लम, सर लड़का चैलेंज कर रहा है, मेरी बात सुनो, मैं चैलेंज आपका स्वीकार, आपको टीवी शो खत्म होते ही सारी बातें बता के जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा, पर प्रॉब्लम ये है सर, देश जानना चाहता है क्योंकि हर problem, क्योंकि पहले शहजाद पूनावाला जी आए उन्होंने भी यही बोला कि कांग्रेस में कुछ ऐसे गठबंधन अंदर के गठबंधन है, लेकिन अब ये नहीं जानने को मिला ना कौन गठबंधन है, क्या हमें भी कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा, मैंने एक का तो नाम बता दिया, एक सर रुकिए पहले कुछ और सवाल ले लेते हैं, हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा डबासा और एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी तब आपकी जो दिशा कांग्रेस से मैच हुई थी और अब जो बदल गई है वो जाके बीजेपी से ही क्यों मिली, वो किसी और पार्टी से क्यों नहीं मिली, बढ़िया सवाल, और अच्छा दोबारा पूछेंगे, दोबारा नहीं कोई तो सवाल होगा भाई मन में है, ओके मेरा आपसे एक ये प्रश्न था कि आप जब बीजेपी में ज्वाइन हुए तो पात्रा जी का फोन आया आपके पास चलिए हाँ आपके सवाल से जवाब देते हैं, संबित जी के देखिए वो पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है अभी उनका चुनाव का जो कैंपेन है चरम पर होगा, इस कारण से उन्होंने फोन नहीं किया,
चुनाव का मतदान के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे फोन जरूर करेंगे, पर अभी तक नहीं आया। अच्छा, आप तो कर लीजिए, आप तो उनकी पार्टी के हो गए। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है कि उसके कैंपेन में मैं जाके मदद कर सकूं तो ठीक है, अभी मैं उनको फोन करके डिस्टर्ब करूं ये ठीक नहीं। अच्छा, और वो ट्रिलियन में जीरो वाली बात, ट्रिलियन में आपने जीरो पूछे, मैंने एक जगह बोला भी, आपको भी बोलता हूँ कि आप अपन अपनी इंडिया की यूनिट से यूज में लाएंगे और हमारी यूनिट है 1 trillion = 1 lakh crore, तो हम 5 trillion नहीं 5 lakh crore की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। कायर क्या होता है? कायर वो होते हैं जो अपनी पिता की एमपी की सीट छोड़ के भाग जाते हैं, वो कायर होते हैं। अच्छा, अब मैं अगले राउंड पर जा रही हूँ, आप लोग तैयार हैं? अभी अगला राउंड है कि हम प्रोफेसर साहब को चेहरा दिखाएंगे और जो पहला भाव प्रोफेसर साहब के मन में आएगा वो प्रोफेसर साहब को या तो शब्दों में बयां करना है या एक्सप्रेशन, क्योंकि ये शब्दों में कम बयां कर रहे हैं, नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ, अच्छा गाने से बता दे, चलिए अब फर्स्ट टाइम वोटर्स है भाई, कह रहे हैं कि गाने से ही बता दीजिएगा। हाँ, जो भी, मतलब जो इनका मन करे ये यहाँ पर कर सकते हैं, अलावा गाली गलोच के, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला फोटो, पहला चेहरा बताए गौरव वल्लभ जी को। ये देखिए सर, आपके पीछे है, आप पीछे देखिए सर, छोड़ा अच्छा, है जिनको आप। अच्छा, इन्होंने क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, ये मैं कह सकता हूँ। और चार बार से सांसद है, इनको 5 बार से राज्यसभा, इनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, इनको ये की लेना देना है कि मेरी राज्यसभा रिपीट हो जाए, ये वो है। चलिए अगली फोटो। ये गलत बिजनेस में, ही इज नॉट फिट फॉर पब्लिक लाइफ। आई एम वेरी कैटेगरी ऑन दिस। ये देश को समझने में समर्थ नहीं है। इनके लिए मैं एक लाइन, अगर वन लाइनर अलाउड है तो मैं बोलता हूँ, गुड पर्सन इन ए रॉन्ग बिजनेस, ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्राउंड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी की फोटो आते ही गौरव जी अंग्रेजी में बात करने लगे। नहीं, मैंने हिंदी में भी बोला। हाँ बोला, लेकिन मैं इन अगले पिछले 40 मिनट में पहली दफा आपको अंग्रेजी में बोलते हुए सुन रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर। ही नोज मैनी थिंग्स बट ही डजंट नो मैनी अदर थिंग्स। Like, इन्हें बहुत सी चीजें पता है पर इन्हें बहुत सी चीजें नहीं भी पता है, और वो यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए, यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए, मेरे लिए भी है, रूबिका जी लिए। आप मेरे को बोलो साहब एनाटॉमी समझाओ, मैं नहीं समझा सकता रूबिका जी। आपको मैं बोलूँ कि आप बीएससी, आप तो बीए करे हुए मेरे ख्याल से, बीएससी का कोई इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशियल का सवाल पूछ लूँ आप नहीं बता सकते। So he knows many things but he doesn't know many other things. ये भी इशारा कर रहे हैं कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, वो ये संबित जी नहीं बता पाए थे, तो he doesn't know many things. Okay, next. इनके लिए मैं एक ही शब्द बोलूंगा जिसको कहते हैं हम घोर कम्युनिस्ट विचारधारा, एक्सट्रीम लेफ्ट थॉट प्रोसेस। ये इनके कई कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, मैंने भी पढ़े हैं, और मैं इनके एजुकेशन और नॉलेज का प्रशंसक पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा, पर इनकी विचारधारा प्योर लेफ्टिस्ट विचारधारा है। मार्क्स और लेनिन सर, अब इधर ही देखिएगा आप। नेक्स्ट, देख तो लीजिए जी। मैंने देख लिया ना, मेरे साथी थे पुराने, कभी वेलकम होने वाला हो, करेंगे इनका भी। चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं इस बार? चुनाव लड़ना होता तो मैं आपको ये, मैडम ये बात गलत है, आधे घंटे से मैं जो बात समझा रहा हूँ आप वापस पूछ रहे हो। अरे तो मैं तो ठप्पा लगा रही हूँ ना कि आप जो कह रहे हैं वो। आई एम नॉट फॉर लस्ट ऑफ पावर। अगर ये करना होता तो 4 अप्रैल की जगह मैं 15 मार्च को भी ये काम कर सकता था ना, 4 महीने की जगह 3.5 महीने लोगों के पीछे घूमता।
मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, आई एम नॉट हियर फॉर गेटिंग टिकट और गेटिंग ग्रैबिंग पावर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं, टीएमसी कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से जमकर वहां प्रदर्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ये तस्वीरें आपके सामने है, दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है और इलेक्शन कमीशन के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। खबर यह आ रही है कि पुलिस ने इन कार्यकर्ता जनरली आप क्या देखते हैं, दो अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं, एक मुद्दा होता है और उस पर लगातार आप एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नेताओं को देख रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ गूंज में लोकसभा चुनावों में फर्स्ट टाइम वोट करने वाले वोटर्स हैं और यहां मंच पर हमारे साथ मौजूद है गौरव वल्लभ। मैं पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी, ये सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। गौरव वल्लभ, अगर आज से तीन दिन पहले मैं इनका अगर इंट्रोडक्शन देती तो वो थोड़ा अलग किस्म का होता, लेकिन आज जब मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो 7 साल कांग्रेस का दामन थामे रहे, कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के लिए जी तोड़ मेहनत की और फिर रातों रात मन में एक विचार आया और फिर इन्होंने बीजेपी का कमल हाथ में थाम लिया है, हाथ में कमल बीजेपी का आपने थाम लिया है, क्या वजह रही? कई जगह पर ये अब तक इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन मैं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को और यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बैठे हैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक गौरव वल्लभ ने देश के सामने नहीं रखी हैं, उनके अंदर दिल के उस दर्द को और पार्टी को धोखा दिया इसकी सफाई को उन्होंने नहीं रखा है और आज वही बात आप 5 बजे की इस गूंज में देखने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका। पहला सवाल तो ये कि आपने पानी पी पी कर बीजेपी को गालियां दी, आपसे बकायदा पूछा गया कि आप बीजेपी कभी ज्वाइन करेंगे तो आपने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, 100% नहीं करूंगा। और आपने ये कहा मेरे लिए लिबरल विचार, बौद्धिकता की ओर अग्रसर समाज, काम करने की आजादी और इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है, इसीलिए कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है। आप 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो सारी बातें खत्म हो गई और बीजेपी में आपको सब नजर आ रहा है? रूबिका जी, मैं तो वहीं खड़ा हूं अभी भी, कांग्रेस वहां से चली गई जो मेरे विचार थे। मेरे विचार क्या थे? मेरा विचार था बौद्धिक समाज, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। कांग्रेस वहां से निकल चुकी है। मेरा विचार थे नो करप्शन, पर कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया। कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। कांग्रेस वहां से चल, मैं तो आज भी वही खड़ा हूँ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास, वही तो इंक्लूसिव समाज है। आज क्या हो गया रूबिका जी कि मोदी जी को गाली देते देते कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है। एक बच्चों, एक वीडियो गेम में एक लास्ट स्टेज में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड आ जाता है, आपको याद होगा। मैं कॉन्ट्रा खेलते हैं अपन, एक वीडियो गेम है उसमें, ये कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली गई है। उसको, वो स्वयं को गालियां दे रही है रूबिका जी, दे आर अब्यूजिंग देमसेल्फ। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक फिर मैं आपका सवाल लूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, 1991 में आया। आज कांग्रेस पार्टी देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली देती है। पहले अडानी, फिर अंबानी, फिर एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा उसको गाली, फिर एक बिजनेस समूह के सीईओ ने सरकार की तारीफ कर दी उसको गाली। अरे कहीं तो रुकोगे? नहीं, ठीक है, मैं समझ गई, ये बातें आपने पहले भी बोली हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप तो बीजेपी के मुखालिफत करते हुए कांग्रेस के साथ थे ना जी, तो बीजेपी में क्यों आन मिले सजना? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 3 बातें बोली थी अपने पत्र में। पहला कि जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन के विरोध का, गालियों का विरोध करो,
सनातन के विरोध में नारे लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे, कांग्रेस यहां मुखदर्शक बनी हुई बैठी है। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है? मैंने कहा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना एक तरह का पाप है। और रूबिका जी, हर साल मैं बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आपको याद है? इस साल की मैंने नहीं की क्योंकि मैंने उनको कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी में जाके आपको डिफेंड नहीं करूंगा। ये मैंने उनको साफ बोला। मैंने उनको 4 महीने दिए रूबिका जी, 4 महीने। मैंने कहा अगर आप प्रभु राम के दर्शन के, पहले बोला कि साहब हम वो इवेंट में नहीं जाएंगे, अरे 3 महीने तो हो गए थे ना, उसके बाद भी क्यों नहीं गए? अच्छा, यात्रा के दौरान वहां उसके पास से निकल गए पर दर्शन नहीं करेंगे। तो मैं साहब ये पाप नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर कांग्रेस का स्टैंड आपको नापसंद है? मैंने कहा ना कांग्रेस की विचारधारा कुछ रही नहीं है रूबिका जी। कांग्रेस आज आपको आश्चर्य होगा कुछ पूर्व यूपीए सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पीए चला रहे, कोई स्टैंड कुछ नहीं है, कुछ भी स्टैंड नहीं है। वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, नए लोगों को गाली दो, सनातन को गाली दो, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाओ। एक आपको एक बहुत रोचक एक एग्जांपल देता हूं, अभी तक कहीं नहीं बोला मैं ये बात। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस, उदयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, मैं बता दूं आपको। उदयपुर से उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, आपको याद होगा। वहां पे एक निर्णय किया 50 अंडर 50, मतलब 50% पद 50 साल के कम उम्र के लोगों को हम देंगे। किसने निर्णय किया? भाजपा ने नहीं किया, मैं भी उस चिंतन शिविर में था, मैंने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई और मुझे आज भी कहता हूँ वो सही निर्णय था। कहाँ पर वो लागू हुआ? क्या ऑल इंडिया चापलूस कमेटी में लागू हुआ? AICC? क्या PCC में लागू हुआ? क्या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में लागू हुआ? क्या ब्लॉक कांग्रेस में लागू हुआ? क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लागू हुआ? आप स्वयं के निर्णय किए हुई चीजों को लागू नहीं कर सकते, तो देश के लोगों के लिए जो आप निर्णय कर रहे हो देश आप पे विश्वास क्यों करेगा साहब? अच्छा भाई, मैंने तो आपके साथ खूब सारे डिबेट किए हैं, हाँ, और आपकी तरफ से खूब सारे आरोप भी मैंने झेले हैं, मतलब सवाल किया तो आपकी तरफ से, इनफैक्ट पार्टी की तरफ से। मैं तो खुद उन बैन लिस्ट में से एक एंकर हूँ कि आप लोग जो हैं लगातार कांग्रेस को परेशान करते रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आप उनके जब प्रवक्ता हुआ करते थे यही सवाल तो हम भी करते थे, आज वो बदलाव कैसे? कहीं होगा ना आपको लगा होगा कि नहीं बस अब इससे ज्यादा ऊपर गया तो घड़ा छलक जाएगा, वो कौन सा पल था? रूबिका जी, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, मैं उदयपुर गया, मेरे कार्यकर्ता मुझे बच्चों बोले कि भैया बाहर नहीं निकल सकते शर्म के मारे, तो मैंने वहां अखंड रामायण का पाठ कराया राम मंदिर में बैठ के और स्वयं ने किया। मैंने कहा हम इनके पापों का प्रायश्चित करेंगे। तो यह तो राम मंदिर का तो अभी हुआ प्राण प्रतिष्ठा का। मैंने इनको कहा कि सनातन का विरोध कर रहे हो ये सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि आप साइलेंटली, एक बात बताओ बच्चों, कोई दो चीज जने लड़ रहे हैं और एक आरोप दे रहा है और एक जो व्यक्ति है जो उसकी साइड है वो चुप बैठा है, इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट करता है? मैंने कहा चुप्पी तोड़ो, तुम बोले नहीं। मैं 4 महीने तक रूबिका जी जैसे मेरे को कुछ नौकरी चाहिए ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर गया, सारे शीर्ष नेताओं के, कि ये पाप मत करो। नहीं तो वो बोलते क्या है, मतलब जब आपने कहा कि नहीं भाई वो सुनते हैं, बस सुनते वो सुनते हैं और फिर कोई आंसर नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपको मैं कोई बात बोलूं आप सुन लो और अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाओ, इसका मतलब यू आर इग्नोरिंग। नहीं तो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, हिंदू या हिंदुत्व को गाली देना, ये कोई तो उनको फीड कर रहा होगा ना, ये कौन है? ये वो लोग हैं रूबिका जी जिन्होंने अपनी क्लास का मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। मॉनिटर कभी जीवन में बन नहीं पाए क्लास के, वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। कौन कौन? मैं रूबिका जी देखो मेरी भी एक एथिक्स है, अगर मैं नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही अपनी एथिक्स छोड़ दे। रुके, नाम भी आप नाम भी बोलेंगे आज, आज गूंज में हर एक सच्चाई को गूंजना होगा, ये तो गारंटी है कि नहीं है, मानते हैं ना इस बात को। अब ये राजस्थान का चुनाव इन्होंने लड़ा, ससुराल है उदयपुर इनका, मैं बता देती हूँ आपको, खुद भी राजस्थान से हैं। और अब राजस्थान के ही एक पूर्व मंत्री हैं, वो इनके बारे में कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, क्या कह रहे हैं जयपुर शहर से, सुनिए क्या कह रहे हैं। कि बाहर जाकर आप अपने परिवार को गाली देते हैं दूसरे परिवार के साथ मिलकर, ये और बड़ा पाप है। तो आप चले गए अभी उदयपुर से, उससे पहले टिकट दिया, तो ये जो चेहरा गौरव वल्लभ का, इसको कोई नहीं जानता था कांग्रेस से, कोई नहीं जानता था आपको। अब मैं देखो, मैं उनके मुकाबले गाली गलौज का स्तर मेरा है नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगा बच्चों, ये वहां पे ये कह रहे हैं कि मेरे को चुनाव लड़ना ही नहीं था, जबरदस्ती लड़ रहा हूं। ये चुनाव लड़ने के पहले कह रहे हैं कि मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं लड़ रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं, मेरी तो हार निश्चित है, ये उनके बयान है, मेरे नहीं है, ये उनके कह रहे हैं मेरी हार निश्चित है पर फिर भी लड़ रहा हूं। अरे भाई, अब इन्होंने जिक्र किया मेरे को टिकट देने का, रूबिका जी मेरी बात सुनो, मैं आज आपको वो रहस्य पूरा बताऊंगा, और आपको पहली बार बता रहा हूं ऑन स्क्रीन। जमशेदपुर से मेरे को पार्टी ने, जैसे कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, कल आज रात को मेरे को बोला जाओ चुनाव लड़ो। क्यों बोला? क्योंकि जहां से टिकट दिया वहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी चुनाव लड़ रहे थे, 8 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वो। उन्हों बोले साहब प्लीज लड़ लो, हमको समझ ही नहीं आ रहा आपके सिवाय कोई लड़ ही नहीं पाएगा। मेरे को लास्ट दिन, मैंने नहीं मांगा रूबिका जी, मैंने नहीं मांगा, मैं सौगंध खा के कह सकता हूं अपने माता पिता और विद्या रानी की कि मैंने टिकट नहीं मांगा। मेरे को कहा आप लड़ो प्लीज। ये क्या जानते हैं जिन्होंने ये बेतुके बयान दे रहे हैं, ये क्या जानते हैं। फिर उदयपुर, रूबिका जी उदयपुर आप भी अच्छे तरह से परिचित हैं, वहां पिछले 5 बार से भाजपा जीत रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की पहली राजस्थान में 5 सबसे स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं तो उसमें उदयपुर आती है। बिल्कुल, मेरे को बोला वहां लड़ो। अगर मेरे को मांगना होता रूबिका जी तो मैं कोई मूर्ख हूं क्या बच्चों? मेरे को अगर चुनाव लड़ने, अरे मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब कांग्रेस के 40+2 42 सांसद थे, मैं 42 सांसद वाली क्यों करता, मेरे को कोशिश करके कोई और कर लेता। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि आपने अपना जमीर बेच दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 2 चुनाव हार गए। अरे अब आपको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर सेफ सीट मिले, अब आप राजाओं की तरह आप जो है जीते और राज्यसभा जाए। मुझे एक बात बता दो, मुझे अगर टिकट चाहिए होता तो मैंने 4 तारीख को ज्वाइन किया, 4 अप्रैल को, जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 99% सीटों पे टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो मैं 15 दिन पहले कर लेता। रूबिका जी, आई एम नॉट इन ए लस्ट ऑफ पावर, मैं सत्ता के लालच में नहीं हूँ, मैं सत्ता के लालच में होता तो जमशेदपुर से लड़ता चुनाव। अच्छा, लेकिन बीजेपी की विचारधारा और आपकी विचारधारा एक है, क्या आपने बीजेपी कैसे ज्वाइन किया? मैं वो बताता हूँ, कई चीजें होती है, हम अगर कोई परीक्षा देते हैं तो कुछ तो होती है मैंडेटरी कंडीशंस और कुछ होती है डिजायरेबल कंडीशंस। जैसे यूपीएससी देना है तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पर डिजायरेबल में होता है इफ कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छा रहेगा। तो मेरी 3 डिजायरेबल कंडीशन है, मैं राष्ट्र के प्रगति में अपनी आहुति देना चाहता हूँ, कांग्रेस नहीं लेती है, कांग्रेस को मतलब ही नहीं है। मैं धर्म की रक्षा में चुप नहीं रहूंगा, भले जिसको जो बुरा लगना है लगा लो, मैं सनातन विरोध के नारे नहीं लगा सकता, मैं प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका न्योता नहीं ठुकरा सकता, और मैं सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स सारे स्टार्टअप्स को गाली दूं। बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए विचारधारा से आपका मेल है कि नहीं है? भाई मेरी यही विचारधारा थी, कांग्रेस चेंज हो गई, कांग्रेस के लिए 1 महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल चोर था, आज वो सच्चाई का पर्यायवाची बन गया है। अच्छा, ये कांग्रेस के लिए एक और उदाहरण देता हूं, फर्स्ट टाइम वोटर से पूछ लेते ना, ये चेंज हुए कि कांग्रेस चेंज होगी, आपको क्या लगता है? सर चेंज हो गए हैं, हाँ तो कुछ सवाल सर भाई सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं ये लोग, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इन्हीं के एक और साथी है नासिर हुसैन,
वो कुछ कह रहे हैं इनके लिए, सुन लेते हैं। हाँ भाई, नासिर हुसैन क्या कह रहे हैं? जहां तक गौरव बल्ला जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया, दो दो चुनाव पार्टी ने लड़वाया, सारे मौका उनको दिए, उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी में उनको ज़्यादा उनकी बेहतर हालत होगी, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए, ये भी वही व्यक्ति है जिसने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा कभी भी, ये वही है, और भी है उस लिस्ट में, पर ये वन ऑफ देम है। और एक मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं, क्या कर करके मैं अभी बोलूँगा तो ये घर से बाहर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने आपके सामने इनकी सच्चाई बता दी। अरे बीजेपी में तो लोग खुलकर बोलते हैं, आप नए नवेले नेता हैं, बोलिए ना। रूबिका जी, थोड़ा सा उन्होंने अपनी एथिक्स बेची है, यही तो मेरा बेमेल हो रहा था। उनके लिए कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं अभी आप उनसे, नासिर जी से पूछो, शायद वो भी होंगे उस कमिटी में जिन्होंने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय लिया। क्योंकि ये सज्जन जिनकी फोटो आई, ये दो बार से राज्यसभा है, मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं। अगर मैं कांग्रेस के इतिहास के बारे में सवाल करूं तो इस कमरे से चले जाएंगे, और कैसे राज्यसभा लिए बता दूं तो सड़क पे चलना मुश्किल हो जाए इनका, सड़क पे चलना, इनकी तो हकीकत बता दूं तो इनके बारे में मैं क्या बोलूं। ये लोग ही तो है जो कांग्रेस को आज, और कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस के ये असिस्टेंट है, कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे साहब है उनके ऑफिस के ये ओएसडी है, ये ओएसडी का काम करते हैं। तो यही तो वो लोग हैं जो गलत, इनको पता ही नहीं कि सनातन क्या होता है, इनको पता ही नहीं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना क्या होता है, क्योंकि इनका विश्वास ही नहीं ना सनातन में ना प्रभु श्री राम में। तो ये तो है, इनको पता ही नहीं, ये सोचते हैं गाली दो, ये सोचते हैं, एक मिनट, ये सोचते हैं गाली दे के भाग जाने से ठीक हो जाए। गौरव जी, तो आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, जिसका आरोप खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगा रहे थे, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन का अपमान कर रही है? कांग्रेस तुष्टीकरण तो है ही, कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा। दिशाहीनता का एक उदाहरण देता हूँ, आज सुबह बात करेंगे ईवीएम हैकिंग की, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसिस की, परसों सुबह बात करेंगे बेरोजगारी की, उसके अगले दिन बात अचानक से शुरू कर देंगे महंगाई की, उसके अगले दिन अडानी अंबानी को गाली देना चालू कर देंगे। उनको पता ही नहीं कि देश का मूड क्या है। आप बताओ, मैं चाहूँगा रूबिका जी, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आप कांग्रेस का कोई व्यक्ति आए तो उसको पूछना है कास्ट सेंसस में क्या डाटा कैप्चर होगा, कुछ पता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। बोलो, लोग, उनकी नीति ये है, लोगों को भ्रमित करो, गाली दो। उनका रूटीन बताता हूँ मैं, कांग्रेस के जो लोग ये नीतियाँ बना रहे हैं ना, उनका रूटीन बताता हूँ। सुबह नाश्ता करो, नाश्ते में सोचो मोदी जी को माता जी की गाली दूँ कि पिताजी की गाली दूँ। लंच करो, लंच में सोचो अडानी को गाली दूँ आज या अंबानी को पकड़ूँ। और डिनर के साथ जो काम करते हैं वो मैं नहीं बोल सकता, मैं चुपचाप हूँ। अरे लोग आपको एहसान फरामोश कहेंगे, लोग कहेंगे जिस पार्टी ने आपको पलकों पे रखा, गोद में रखा, बड़ा प्रवक्ता बनाया, हर बार आप जो है ये जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, जब बजट अनाउंस होता है, तब आपको वो मंच दिया जाता था, दो दो बार के लिए चुनाव लड़वा दिया, आपने एहसान फरामोशी की ऐसे वक्त पर जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये तो मेरा सवाल है, सुप्रिया श्री ने, उनको सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं, फिर जवाब दीजिएगा। वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी लोग, इस तरह की बेहुदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है। झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद्ध झूठे होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। सुन लिया? आपको लगा नहीं, घबराहट नहीं हुई इनकी बात सुन के? डरा नहीं अपन के किस तरह की आवाज थी? ये वही लोग हैं बच्चों, जो एक फिल्म अभिनेत्री को पूछ रहे थे जो चुनाव लड़ने जा रही है कि मंडी का भाव क्या है, ये वो लोग हैं। इनकी बात पे जवाब देना चाहिए क्या, मुझे ये बता दो। जवाब आप कहोगे तो दे दूंगा अभी। क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स, जवाब देना चाहिए कि नहीं?
ऐसी महिला का जवाब देना चाहिए जो इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हो, तो मैं दूंगा। ठीक है, आपने कहा मैं देता हूँ। अब ये बताइए, कायर मैं हूँ कि ये चुनाव लड़े नहीं है? चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? अरे चुनाव लड़ना चाहिए था ना, पिछली बार लड़ी थी, अभी क्यों नहीं लड़ी दीदी? क्यों नहीं लड़ी? अब कायर मैं हूँ, अरे मैं तो 8-8 बार से हारी हुई सीटों में, इनके तो पिताजी की सीट थी, वो इनके पिताजी की सीट थी, मैं तो आपके जैसे परिवारों से आया हूँ, ऐसी घटिया बातें बोलती है। यही तो प्रॉब्लम है। सुबह गाली दो मोदी जी को नाश्ते के साथ, ये देती है। लंच के साथ अडानी अंबानी को गाली दो, ये देती है। बाकी का अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बारी है भाई, आपके मन में भी तो बड़े विचार होंगे ना, आपके आपके भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, तो राउंड वन सवालों का शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, कौन है जो पहला सवाल पूछना चाहेगा? I'll begin with them. आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजान सिंह यादव है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से आता हूँ। तो सर, जैसा कि आपने अपने इस्तीफे में लिखा था कि आप पार्टी के साथ कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, और आपने लिखा कि ये जो नए आइडिया वाले जो युवा हैं उनके साथ पार्टी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो पहले हमें ये बताइए कौन से ऐसे आइडिया थे युवा के जो आप पार्टी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, और कौन सी ऐसी नई नीति है युवा के लिए जो आप चाहते हैं कि बीजेपी में रहकर कर सकेंगे? ओके, वंडरफुल क्वेश्चन। हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने पार्टी को कहा कि आप बेरोजगारी की बात करते हो, रोज करते हैं कि नहीं? मैंने कहा रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, इसका सकारात्मक एक ब्लूप्रिंट दो सरकार को। आप कहते हो बेरोजगार, मैंने कहा मैं देता हूं, तो बोले ये हमारा काम नहीं है, वी आर जस्ट हियर टू अब्यूज, ये हमारा काम नहीं है। आप किसी के लिए कुछ भी बोलते हो, युवाओं के लिए बात 50 under 50 वाली बात कही। फिर एक आपको उदाहरण देता हूं, 30 साल से पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना आपकी तरह, और आपसे भी शायद छोटा होऊंगा, तब मैं टीवी पर जिसे प्रवक्ता देखता था कांग्रेस का, आज भी वही मीडिया प्रभारी है, तो नए आदमी को आने ही नहीं देते हो आप। फिर एक और उदाहरण देता हूं, 30 साल से मैनिफेस्टो जो बना रहा है, इस बार भी मैनिफेस्टो वही बना रहा है। अरे भाई, उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आते क्या, 52 पे आते क्या? तो नए आदमी को नहीं आने देंगे वो, नए आदमी को। और जो टिकट दे रहा है, ये मैं बच्चों एक बहुत रोचक बात बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो व्यक्ति कांग्रेस में लोकसभा के टिकट दे रहा है, अगर आप उसको जल्दी से पूछ लो उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्र बताओ, तो वो बोलेगा पटना, शिलांग और जयपुर। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ रूपिका जी, तो जो टिकट पे हस्ताक्षर कर रहा है, हाँ, उस व्यक्ति से पूछना कि उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्रों का नाम बताओ, अगर वो 5 सेकंड में बता दे तो मैं रूबिका जी आप कौजो कर लूं। अरे तो लेकिन 7 सालों में ये आप देख रहे थे ना रूबिका जी, अचानक मैं कैसे ये हृदय परिवर्तन? मैंने कोशिश करी कि मैं ये पूछिए कि आपने 7 साल पहले क्यों ज्वाइन किया, उसका उत्तर देता। अच्छा ठीक है। मैंने ये सोचा कि सबसे पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, नए लोगों को, नए आइडियाज को, एस्पायरिंग इंडिया के आइडियाज को वहां पे जगह मिलेगी, पर वहां पर हर जगह बॉटलनेक्स है। एक और रूबिका जी, एक बात बता रहा हूँ जो कि अभी तक कहीं नहीं बताई। 20 सेकंड। कांग्रेस की शीर्ष जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है CWC, मुझे बुला के कहा गया कि आप उसके मेंबर बन रहे हो, ठीक है? फिर मेरा नाम नहीं आया, तो 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद मैं मिला, तो मेरे को मैंने पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं आया सर? आपका धर्म वहां एडजस्ट नहीं हो रहा। क्या बोला, क्या बोला? अरे मेरा धर्म नहीं हो रहा तो फिर मैं ऐसे अधर्मियों के साथ एक क्षण नहीं रह सकता। आप सीरियस एलिगेशन? मैं आपको आप कहोगे तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा, मुझे जिसने बोला, जिस व्यक्ति ने बोला, बताइए नाम, बताइए। कांग्रेस के शीर्ष नेता जो डिसीजन मेकिंग में टॉप पे होते हैं, नाम बताइए ना, नाम बताइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम रूबिका लियाकत है, और आज गूंज एक बहुत ही अलग। फिर मेरे में और उनमें अंतर रहने दो, आप कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, टॉप लीडर जो आपके जहन में, बच्चे एक्साइटेड है जानने के लिए, जो आपके जहन में टॉप लीडर आ रहा है, उसने मुझे बुला के बोला कौन आ रहा है आज?
हमारे साथ जो में बुला के बोला भाई मैं मेरे को बुला के बोला मैं आपको फिर बोलाता हूँ मेरे को बोला आप सीडब्ल्यूसी में मेंबर बना रहे हैं मौजूद 15-20 दिन बाद मैं तो ऐसे पद के लिए मर नहीं रहा था मैं तो बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन वोटर्स हैं सर मेरा ये क्वेश्चन है नमस्कार मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जैसे पार्टी एक परिवार की तरह होता है उस परिवार ने आपको इतना बढ़ाया मतलब इतना बड़ा किया इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुँचाया तो अगर उस परिवार में कोई गड़बड़ी होती है तो हम चाहते हैं कि हम उसे मॉडिफाई करें हम उसे सुधारें लेकिन आपने तो मतलब छोड़ दिया क्या वजह 4 महीने तक कई जगह पर ये अब तक मैंने कहा मैं टीवी में नहीं जो मेरे को लगा मेरी इस बात से इन पे फर्क पड़ेगा प्रज्ञा कि मैं बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा मैं टीवी में नहीं जाऊंगा मेरे को लगा इस बात पे फर्क पड़ेगा मेरी बात सुनेंगे 4 महीने तक आपने बच्चों रूबिका जी मेरे को आपने पिछले 4 महीने में सच बताई एक भी आपने मेरी बाइट देखी और आज क्यों नहीं देखी आपने नहीं सोचा ये क्यों नहीं आ रहा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो राम मंदिर नहीं जाते मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगा आपने ओके पीकर बीजेपी को गालियां नमस्कार सर मेरा नाम रुपेश भारद्वाज है आप राम मंदिर की बात कर रहे हो तो राम मंदिर का विरोध तो कांग्रेस और विपक्ष नेता बहुत पहले से कर रहे हैं अभी आपने क्यों छोड़ा और दूसरी बात पहले संजय सिंह जेल गए अभी अरविंद केजरीवाल जेल गए क्या आपके मन में तो डर नहीं था ईडी का आजादी और इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है रुपेका जी कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है मैं आपको और मेरा 3-4 महीने पुराना एफिडेविट आपको मिल जाएगा नेट पे आप डालोगे प्रोफेसर गौरव वल्लभ उदयपुर एफिडेविट से चली गई जो मेरे भगवान की दया से और माता मेरे विचार क्या थे मेरा विचार था बौद्धिक समाज इंटेलेक्चुअल सोसाइटी मेरे मेरे खिलाफ एक मिनट रुपेका जी मेरे विचार थे नो करप्शन पर कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता मैं कांग्रेस वहां से काम नहीं कर रहा हूं अच्छा सर देखिए आप मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास वही तो इंक्लूसिव समाज जिस पार्टी को चुना उसे वोट करना है जिस पार्टी को छोड़ा उसे मोदी जी को गाली देते कांग्रेस के सबसे मुखर प्रवक्ता कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है एक आप लोगों को बताना चाहती हूं एक वीडियो गेम में एक लास्ट 9 साल पहले की बात है एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड आ जाता है आपको याद होगा मैं कॉन्ट्रा खेलते हैं अपन एक वीडियो गेम है उसमें ये कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली गई है तो पता चला कि वो स्वयं को गालियां दे रही है हमें मालूम नहीं दे आर अब्यूजिंग देमसेल्व्स और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं क्या उदाहरण एक फिर मैं आपका सवाल पैशनेट हो जाते हैं तो इन्होंने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार मैंने अपनी प्रोफेसरी छोड़ी है सबैटिकल लिया मैंने कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए सबैटिकल लिया आज कांग्रेस पार्टी देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली दे रही है सब छोड़ा है पहले अडानी आगे बढ़ा फिर अंबानी और आज फिर का दिन है एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा उसको गाली फिर एक बिजनेस समूह के सीओ ने सरकार की तारीफ कर दी उसको गाली कहीं तो रुकोगे ठीक है मैं समझ गई ये बातें आपने पहले भी बोली हैं लेकिन मुझे ये बताइए मैं तो पार्टी के लिए काम करूंगा बीजेपी के मुखालिफ आज वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की मैं सूरत तक बीजेपी में क्यों आन मिले सजना ऐसे ही कुछ और भी नेता तीन बातें बोली थी जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है मैं कि जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन के विरोध का पहले आप विजेंदर जी का ये बयान सुनिए और उसके बाद सनातन के विरोध में नारे लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे कांग्रेस या मुख दर्शक बनी हुई बैठी इसका मतलब क्या कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है मैंने कहा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना एक तरह का पाप है लेकिन और रुबिका जी हर साल मैं बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था आपको याद है नहीं की क्योंकि मैंने उनको कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी में जाके आपको डिफेंड नहीं करूंगा ये मैंने उनको साफ बोला मैंने उनको 4 महीने दिए रुबिका जी 4 महीने को गाली दो मैंने कहा अगर आप प्रभु राम के दर्शन पहले बोला कि साहब हम वो इवेंट में नहीं जाएंगे अरे 3 महीने तो हो गए थे ना तीन काम करने उसके बाद भी क्यों नहीं गए यात्रा के दौरान वहाँ उसके पास से निकल गए पर दर्शन नहीं करेंगे मैं साहब ये पाप नहीं कर सकता मैं कह रहा हूँ ना वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा मेरे में इतने संस्कार रही बात रुबिका जी का मेरा 7 साल पुराना जो इन्होंने किस्सा बताया
आज आपको आश्चर्य होगा इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट फुल प्रोफेसर के मुख्यमंत्री एट द एज ऑफ 32 मैं फुल प्रोफेसर बना। कोई स्टैंड कुछ नहीं है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, छोटे में नहीं, नए लोगों को गाली दो, लेस्ट ऑफ पावर मेरे को पैसा सनातन को गाली दो लेना या भगवान श्री राम लेनी अरे मैं तो था में मत जाओ। एक आपको क्या रोचक जरूरत थी 42 पार्टी एमपीओं वाली पार्टी ज्वाइन करने। गौरव जी सुनिए ना, संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से 5 खेल चुके हैं। पहले आप उनका बयान सुनिए और मुझे बताइए कि ऐसा है। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ आपको याद है, समय कांग्रेस पार्टी में 5 निर्णय किया, 50% राहुल गांधी जी का भी, मुझे आज भी कहता हूँ अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। कमेटी में लागू हुआ एआईसीसी, फिर बहन जी पीसीसी में भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एग्जर्ट करती रहती है। गौरव वल्लभ कांग्रेस में बताएंगे अब क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लागू हुआ। 5 का जिक्र किया, 3 रूपिका जी ने सुनवा दिया, निर्णय किए भी चीजों को लागू नहीं कर सकते। वास्तव में निर्णय वही ले रहे हैं जो आप निर्णय कर रहे हो, और जो 5वां नाम लिया इन्होंने, मैंने तो मैं मेरे मुंह से नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञा करके आया हूं। आरोप भी मैंने, पर जो 5वां नाम लिया है वो वही व्यक्ति है जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य अलग है इस पे कंफ्यूजन है। केसी वेणु आप लोग जो हैं, मैंने क्या बोला, लगातार आप उनसे पूछना खरगे जी परेशान ऐसे 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 तो कर ही सकते हैं ना आप। उनके जब प्रवक्ता हुआ करते थे यही सवाल तो हम भी करते थे। तो जो पांचवा नाम, जो पहला नाम आपने लिया, आपको लगा होगा कि नहीं बस अब इससे ज्यादा हो पाएगा, संजय निरुपम जी का 5वां और आपका पहला, वो कौन सा एक ही नाम है वो जी। जब राम मंदिर तो उनको वो कांग्रेस चला रहे हैं, उनको मैं सच बता रहा हूं बच्चों, आप मेरी बात पे विश्वास मत कर रहे हो तो आप एक बार उनसे पूछ लो जाके कि सर बिहार की 3 सीटें बताओ, तो वो बताएंगे।